गुड आफ्टरनून गाइज कैसे हो सब लोग क्या हाल चल गाइज जो लोग लाइव में कनेक्ट हुए फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा अबाउट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज इट ऑल गुड ऑल प्रॉपर शुड वी स्टार्ट विथ लेक्चर वेरी गुड आफ्टरनून शुभम यश जी हाँ सो so, जल्दी से आप जो है वो रिप्लाई कीजिएगा अबाउट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज इट ऑल गुड ऑल प्रॉपर एंड गाइज बॉयज एंड गर्ल्स आपको जो है वो नोट्स डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है वहां फटा -फट से फटाफट से डाउनलोड कीजिएगा जिन लोगों ने कल लास्ट लेक्चर के अंदर ही नोट्स uh, डाउनलोड किया है सो so कोई इशू नहीं है सेव नोट्स है जी ऑल गुड ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज से क्विकली लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट किया हुआ है वो फटाफट -फड़ से रिवाइज करते हैं और आज का जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो था अपना पार्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस यस सर जी सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ यू रिमेंबर गाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन उसका प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन विल इंक्रीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज प्रोडक्शन विल डिक्रीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल डिक्रीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर देन डायरेक्ट लेबर गाइस बॉयज एंड गर्ल्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कहाँ पे क्लासीफाई करना था तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन अच्छा इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे एग्जाम्पल वॉज रॉयल्टी सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आउटसोर्सिंग चार्जेस यर चार्जेस ऑफ द इक्विपमेंट एक्सेट्रा देन हम लोगों ने कवर किया था गाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जी आ गाइज बहुत जंगल्स इंडाक्ट एक्सपेंसेस में क्या था गाइज इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोडक्शन का और वो एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं है ठीक है नो गाइज इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ यूर ओवरहेड्स ये जो ओवरहेड्स है गाइज इसको आपने तीन कैटेगरी के, के अंदर डिवाइड करना था या फिर चार भी आप कर सकते थे तो हम लोगों ने पूरा लिस्ट कल के लेक्चर के अंदर देखा था जहां पे हमने फैक्ट्री ओवर के अंदर कौन सा कौन सा मटेरियल कौन सा लेबर कौन सा एक्सपेंसेस आता है वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था सो so, फैक्ट्री ओवर के बाद गाइज हम लोगों ने कवर किया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसका नाम है ऑफिस ओवररेड्स भी चलेगा या फिर इसके बाद हम लोगों ने सेलिंग ओवर कवर किया था इसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ओवररेड्स कवर किया था अगर आपको वो चार्ट याद आ रहा है तो वहां पर हम लोगों ने एक डिटेल के अंदर सारे की सारे जो एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमम जो है वो हम लोगों ने कवर किए थे बॉयज एंड गर्ल्स इसके बाद हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट किया था और वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कार हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर गाइज बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को हम लोगों ने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था जल्दी से आप मुझे बताएंगे बिहेवियर के बेसिस पे कौन से कौन से तीन कॉस्ट का हम लोग बाइफर्केशन करेंगे आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज आपको रिप्लाई करना है आपको आंसर्स देना है बिहेवियर के बेसिस पे हम लोगों ने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था तो गाइज वो तीन अलग अलग बिहेवियर कौन से थे जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा ए बी एंड सी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज जी हाँ फाइव फोर थ्री टू वन गो जी हाँ सबसे पहले मुझे यश जी इन्होंने आंसर दिया हुआ है और यश जी इन्होंने आंसर दिया है कि सर बिहेवियर के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है बिहेवियर के बेसिस पे सेकेंड कॉस्ट जो है वो फिक्सड कॉस्ट हो सकता है एंड बिहेवियर के बेसिस पे जो तीसरा कॉस्ट था वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है जी हा सो so, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वेरिएबल फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल हां जी सर जी तो हम लोगों ने कॉस्ट को ये तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था वेरिएबल फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था वेरिएबल तो गाइज ये जो वेरिएबल कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस था लास्ट लेक्चर के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम जी हां। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है तो एक सिंपल थंब रूल मैंने आपको कल बताया था जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा अब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था इस एग्जांपल के अंदर अगर आप चेक करेंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसिस है रॉयल्टी एक्सेट्रा ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है कैसे कि पर यूनिट उसका सेम आ रहा है जैसे कि मटेरियल का कॉस्ट है by, uh, है डिवाइडेड बाय कितना मटीरियल काउसेंड तो टेन रुपीज पर यूनिट यूनिट तो पर जो कॉस्ट सेम रहता है वो आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट जी सर इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट कवर किया था वेरिएबल uh, कॉस्ट में पर uh, यूनिट से सेम रहता है एंड एग्जाम्पल देखे थे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस These are some of cost. इसके बाद हम लोगों ने कवर किया था गाइज बॉज एंडिक्स क्या हैोडक्शन no कोई रिलेशनशिप नहीं कोई लेना देना नहीं है वो कॉस्ट आएगा आपका फिक्स कॉस्ट और एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपने व्हाट्सएप में स्टेटस रखा था और वो सेंटेंस था गाइज फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम वैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंटेंस लिखा हुआ था टोटल शुड बी सेम जी हाँ गाइज इसके बाद नेक्स्ट आइटम था फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल हमने देखे थे गाइज फिक्स कॉस्ट के अंदर था रेंट था गाइज आपका इसके बाद था इंश्योरेंस uh, के एक्सपेंसिस आपने सैलरी पे किया ये सारे जो एग्जाम्पल है यह आपके फिक्स कॉस्ट है देन गाइज हम लोगों ने तीसरा बाइफरकेशन देखा था जिसका चार्ट बनाना बाकी है वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट का चार्ट बना लिया था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सेमी वेरिएबल का पेंडिंग रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक के लिए जी हाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट परफेक्टली फिक्स नॉट परफेक्टली वेरिएबल इसमें दोनों के बिहेवियर है दोनों के यानी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों का बिहेवियर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट परफेक्टली फिक्स नॉट परफेक्टली वेरिएबल जी हाँ उसमें फिर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपको याद आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर क्या था गाइस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ पोर्शन कुछ पोर्शन फिक्स रहता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है और वो जो वेरिएबल पोर्शन है यूसेज के हिसाब से जो है वो आपका इंक्रीज होते, होते जाता है या डिक्रीज होते जाता है अकॉर्डिंगली तो जी हा गाइज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन याद आ रहा है एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जो है जी हाँ एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जो है वो कॉस्ट सॉरी 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 एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया था वाई एक्सिस पे जो है वो हमने कॉस्ट लिया था एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऐसे कुछ तो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट लाइन था जी हाँ इसके बाद हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट का भी जो है गाइज uh, डिस्कशन uh, किया था फिक्स कॉस्ट लाइन विल बी पैरल टू एक्स एक्सिस कितना भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करो फिक्स कॉस्ट आपका जो आएगा कॉन्स्टेंट आएगा एंड अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड माइंड ब्लोइंग खुंखार जबरदस्त वाला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गाइज ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था लाइटिंग का एक्सपेंसेस है टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है रिपेयर का एक्सपेंसेस है भाई साहब ये पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है और ये टोटल भी सेम नहीं आ रहा है ना पर यूनिट सेम है ना टोटल सेम है तो ये आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिर कल के लेक्चर में अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक है कि गाइज अगर मुझे थर्टी थाउजेंड यूनिट जो है इसका कोटेशन देना है तो भाई साहब मुझे ये जो लाइटिंग है टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस से रिपेयर में बराबर से प्रॉपरली मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा एनालाइज करना पड़ेगा तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफर्केशन करने के पांच मेथड्स जो वेरिएबल और फिक्स में बाइफर्केशन करने में अपनी हेल्प करेंगे नाउ सबसे पहला और जबरदस्त मेथड की तरफ आते हैं और वो है गाइज ग्राफिकल मेथड आप आपका नोट से रेफर कर सकते हैं आप जो है आपका जो नोट्स है वो रेफर बिल्कुल कर सकते हैं पूरा यहाँ पे होगा ठीक है एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सर जी ग्राफिकल करना पड़ेगा हम लोग आउटपुट कंसिडर कर रहे वाई एक्सिस जो है, हाँ है वहां पे हम लोग कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं जी हाँ एक्स एक्सिस पे आउटपुट हमने कंसिडर किया है वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कॉस्ट कंसिडर किया है अब बहुत ही ध्यान से सर आत्मा अगर इधर उधर भटकने गया रहेगा तो उसको बुला लीजिएगा सर जबरदस्त मेथड है इस पे थियरी क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली अभी तक इस पे पूछा नहीं गया हुआ है आगे तो ग्राफिकल मेथड क्या है सबसे पहले का स्टेप्स आपको याद रखना है सबसे पहला स्टेप जो है वो एक्स एक्सिस आपको ड्रॉ करने का है ऑगेस एक्स एक्सिस पे आपको क्या कंसिडर करना है तो यू आर गोन कंसिडर आउटपुट कंसीडर प्रोडक्शन आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन एक्स एक्सिस चलो पहला स्टेप तो बहुत ही सिंपल था मालिक सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है तो वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करना है एंड वाई एक्सिस पे एज एजुअल आपको जो है वो कॉस्ट कंसिडर करना है ठीक है वाई एक्सिस पे कॉस्ट आएगा एक्स एक्सिस पे जो है वो आपका आउटपुट आएगा नेक्स्ट वन गाइज इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा आपको एग्जाम्पल के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया जाएगा जी हाइज आपको एग्जाम्पल के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया जाएगा जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है ये जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करने वाले हैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जी आ सर जी तो गाइज आपको कुछ uh, समझ में आ रहा है तो देखिएगा आपको एक uh, क्वेश्चन एक दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर वन आपके नोट्स के अंदर है आपको कुछ आउटपुट दिया है जैसे कि टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड दीज आर द आउटपुट गिवन टू यू उसके सामने आपको जो है वो कॉस्ट दिया गया है कॉस्ट कितना है दो लाख है तीन लाख है पांच लाख है सात लाख बच्चों सबसे पहले ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन आप मुझे देंगे गाइस हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएंगे मैंने तो हेडिंग दे दिया है इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेकिन आप मुझे बताएंगे व्हाई इट इज़ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपने कैसे डिसाइड कर लिया ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मैं आपके आंसर की रहा देख रहा हूं सर जी टेन थाउजेंड यूनिट्स के लिए कॉस्ट दिया है दो लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स के लिए कॉस्ट दिया है तीन लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स के लिए कॉस्ट दिया है पाँच लाख एंड सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट आपको दिया हुआ है वो सात लाख ,00 दिया हुआ है तो आप मुझे जल्दी से एक्सप्लेन कीजिएगा जल्दी से बताइएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स ये क्यू सेमी वेरिएबल कॉस्ट है अगर पर यूनिट सेम आता है तो वेरिएबल कॉस्ट है अगर टोटल सेम आता था वो फिक्स कॉस्ट है तो आप फटाफट फड़ से रिप्लाई कीजिएगा फाइव फोर थ्री टू वन जीरो गाइस आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है फटाफट फड़ से टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप वाइड इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट अरे सर कल डिसाइडिंग फैक्टर आपको बताया था ओके okay, आ गया ओके okay, थोड़ा डिले है ओके okay. पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है सबसे पहले मुझे आलम अमन आ, अमन जी ने जो है वो आंसर दिया है सर इट इज पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है पर यूनिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा टू लैख डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड वैचो पर यूनिट जो है वो ट्वेंटी रुपीज आएगा थ्री लैख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पर यूनिट जो है वो फिफ्टीन आ रहा है फाइव लैख डिवाइडेड बाई फोर्टी आपका आंसर आई थिंक सो 12.5 पॉइंट फाइव आ रहा है सर मैं ओरली कर रहा हूँ आप चेक कर लेना सर आगे पीछे हो सकता है ओरली कर रहा हूँ सेवन लैक डिवाइडेड बाई सिक्सटी थाउजेंड गाइज आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है एक बार चेक कीजिएगा कैलसी किधर गया बाकी ओके okay. सेवन लैक डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड गाइज आपका जो आंसर है वो इलेवन पॉइंट सिक्सटी सेवन ऐसे कुछ तो भी आंसर आ रहा है सो so, भाई साहब आप सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है आपने मुझे बोला सर ये पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है सर हर जगह पे पर यूनिट का आंसर अलग है ट्वेंटी फिफ्टी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव है इलेवन पॉइंट सिक्सटी सेवन है पर यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब मालिक ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती तो क्या ये फिक्स कॉस्ट ना सर ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है अगर ये फिक्स कॉस्ट होता था तो हर एक आउटपुट के लिए आपका कॉस्ट सेम आना चाहिए था दो लाख तीन लाख पांच लाख सात लाख ये तो अलग आ रहा है सर तो पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है आपका टोटल सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब मालिक ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हाँ जी सर जी ये कौन सी कॉस्ट है गाइज आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है आहो आई होप सो सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर है जी हाँ सर जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो अब तीसरा स्टेप क्या है हम लोगों ने पहला स्टेप क्या देखा बॉस पहला जो स्टेप था वहां पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया फिर हम लोगों ने क्या किया वाइस पेस्ट कंसिडर किया अब तीसरा स्टेप आपको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के के अंदर के अंदर आउटपुट दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर आउटपुट दिया जाएगा ठीक है वो आउटपुट के सामने कॉस्ट भी दिया जाएगा तो आपको करना क्या है एवरी वन नो प्लीज कॉन्सेंट्रेट गाइज जी हा आपको करना क्या है जस्ट अ सेकेंड गाइज फटाफट से एक्सिस 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 से से पे मैंने आउटपुट लिया है वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट लिया हुआ है सर जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे आउटपुट दिए गए हैं और क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दिया गया है तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स एक एक आउटपुट आपको चेक करना है और उसका पॉइंट प्लॉट करना है कॉस्ट देख देख के जी गई आई रिपीट सर जी आपको आउटपुट देखना है और उसका कॉस्ट चेक करने का है कॉस्ट कहाँ से देखेंगे भाई कॉस्ट यहाँ पे दिया है टू लैख थ्री लैख फाइव लैख सेवन लैक ओके सर सो आपने एक एक आउटपुट का जो है वो कॉस्ट चेक किया सर जी आउटपुट देखा सामने उसकी कॉस्ट दी रहेगी वो कॉस्ट आपने चेक किया ऐसा करके कि जितने आपको आउटपुट दिए गए हैं सर वो आपने उसकी कॉस्ट प्लॉट किया गाइज बॉज तीन स्टेप यहाँ पे सिंपल मैंने कंप्लीट किए है एक्स एक्सिस पे आउटपुट वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट लिया है एंड देन मुझे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आउटपुट दिए हैं सर टेंशन ना लो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जैक्ट डेटा आएगा दस हजार बीस हजार चालीस हजार साठ हजार लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन देन आई ड्रॉ द ग्राफ एग्जैक्टली ठीक है तो so, बिल्कुल टेंशन ना लो गाइज सो so, जो आउटपुट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है सामने उसकी कॉस्ट भी दी गई है तो कॉस्ट देख देख के मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए नाउ बॉयज एंड गर्ल्स स्टेप नंबर फोर कवर ऑल ऑफ दिस पॉइंट यूजिंग वन स्ट्रेट लाइन guys, ये लाइन जो है जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट था ये पॉइंट जो आपने प्लॉट किए थे वहां से एक लाइन ड्रॉ करो कवरिंग ऑल और मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट ये पॉइंट कवर करके एक लाइन आपने ड्रॉ किया सर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं सर ये जो लाइन था सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था उसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है सर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चों ये कौन सा लाइन है जिसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है ये कौन सा लाइन है फटाफट फड़ से आप मुझे आंसर दीजिएगा आई एम सॉरी हाँ जी सर वापस एक बार पे आउटपुट लिया वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया जो आउटपुट दिया था उसके कॉस्ट देख देख के पॉइंट प्लॉट किए सर एक्सिस पे आउटपुट देखा वाई एक्सिस पे उसका कॉस्ट देखा पॉइंट प्लॉट करते गया हर एक आउटपुट का देन मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया कवरिंग ऑल और मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट ये जो लाइन है इसने इंटरसेक्शन कर दिया है सर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन कर दिया इधर 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 मालिक पीछे तो देखो यहां पे इंटरसेक्शन कर दिया सर तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है सर जी आपका आहो सबसे पहले मुझे जो आंसर आया वो यशराज इनका आंसर आया आदित्य जी एंड रूपेश जी सब लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है मालिक बॉयज एंड गर्ल्स ही आपकी फिक्स कॉस्ट लाइन है चलो एक्सप्लेन भी तो कर दो गाइज खुश कर दो गाइज एक्सप्लेन भी तो कर दो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपने दिया हुआ है सर ये क्यू फिक्स कॉस्ट लाइन है कोई तो आंसर दीजिएगा सर जी आपने आउटपुट देखा उसकी कॉस्ट देखी एंड आपने पॉइंट प्लॉट किया हर एक आउटपुट का ऐसे आप प्लॉट करते गए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ वेरिएबल कॉस्ट का उसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन कर दिया यहां पे और सर जी ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप मुझे बोल रहे हो अरे मालिक ये फिक्स कॉस्ट है अरे ये क्यूँ फिक्स कॉस्ट है चलो आंसर देख लेते बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज सम समर विल बी सम फिक्स कॉस्ट इवन इफ आउटपुट इज जीरो पैरल टू एक्स एक्सिस रहता है ये एक आंसर आया है वेरी गुड सर जी तो प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए आप एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो इट इज अ पैरल टू एक्स एक्सिस आपका आंसर क्या होना चाहिए एक आंसर आया हुआ है सर एक आंसर आया हुआ है सर दो आंसर आई थिंक सो करेक्ट है यहां पे एक आंसर बोला है सर अगर आपका आउटपुट जीरो रहेगा ओ भाई साहब ये ओरिजिन है हां जी सर ये आपका ओरिजिन है ओरिजिन यानी आपका जीरो आउटपुट है आउटपुट अगर आपका जीरो रहेगा तो भी आपको जो कॉस्ट लगती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है तो हा सर जी ये आपका फिक्स कॉस्ट है एक और करेक्ट आंसर आया है और एक आंसर बोलता है सर जी आउटपुट कितना भी रहने दीजिएगा जो कॉस्ट सेम आता है वो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है जी हा गाइज तो हम लोगों ने चार या पांच स्टेप यहां पे कंप्लीट किए स्टेप नंबर वन क्या था स्टेप नंबर वन के अंदर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था जहां पे आउटपुट लिया था क्वेश्चन में देख देख के उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या लिया था हम लोगों ने कॉस्ट लिया था उसके बाद हर एक आउटपुट का कुछ ना कुछ तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो नीचे आउटपुट देखा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखा और बीच में ऐसे पॉइंट प्लॉट करते गए पॉइंट प्लॉट करने के बाद वी विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग ऑल और मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट ये जो लाइन है इसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है और दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज अ फिक्स कॉस्ट जी हाँ ये आपकी फिक्स कॉस्ट है क्योंकि जीरो यूनिट है फिर भी जो कॉस्ट आपको लगती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट लाइन विल बी पैरल टू x एक्सिस एंड गाइज एंड गर्ल्स ये मेथड का आखिरी सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं ये मेथड का आखिरी सेंटेंस बताने जा रहा हूं सर जी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया सर ये टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया आएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ क्या आएगा मालिक मेरा यहां पे आने वाला है मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो इतना सिंपल ये मेथड है देन so, हम दोनों हम लोग जो है वो साथ में सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन चलिएगा वापिस एक बार चेक करते सर सर ध्यान से एक्स एक्सिस एक्सिस पे पे क्या लिया? पे क्या लिया 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 आउटपुट वाई जी कॉस्ट ठीक है ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है आप वो हिसाब से करेंगे इसके बाद आपने क्या किया आपको जो आउटपुट दिया था सामने उसकी कॉस्ट भी दी गई थी तो आउटपुट नीचे देखा कॉस्ट देखा और ऐसे पॉइंट जो है वो प्लॉट करते चले गए सर जी वो पॉइंट से हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया वो लाइन ने इंटरसेक्शन कर दिया वाई एक्सिस को वहां पे मेरा

एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेंशन ना लो अगर नहीं समझ में आया ना तो भी टेंशन ना लो सर जी क्योंकि हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जी हां समझ में आया वेरी गुड गाइस सो एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया देन सर जी टोटल कॉस्ट पॉइंट प्लॉट किए पॉइंट प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जहां पे y एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया वो मेरी फिक्स कॉस्ट है वहां से मैंने एक पैरल लाइन ड्रॉ कर दिया इंटरसेक्शन से वो मेरा फिक्स कॉस्ट का लाइन है एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो आएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट चलो बच्चों चलो स्केल पेंसिल वगैरह निकालिएगा और आपको गाइज ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर वन वहाँ पर लिख देना एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ कंसेप्ट बुक जी हां एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ कंसेप्ट बुक एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ कंसेप्ट बुक चलेगा सर वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स के अंदर रहेगा मालिक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो चलो जल्दी खुद से यस yes, सर जी एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा ओरिजिन को पॉइंट आउट कीजिएगा ठीक है अब मैं स्केल लिखने जा रहा हूँ गाइज अब जो है मैं स्केल लिखने जा रहा हूँ सामने क्वेश्चन रहना चाहिए इसलिए मैं एक साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर जी मुझे आउटपुट दिया हुआ है और मुझे कॉस दिया हुआ है आउटपुट दिया था मुझे टेन थाउजेंड आपको नहीं लिखना है सर क्या वो बार बार मुझे स्विच करना पड़ता है इसलिए मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो लिख लेता होगा यानी आपको भी इजी रहेगा समझने के लिए जी हां दो तीन पाँच सात हाँ जी सर थेरी और प्रैक्टिकल के नोट्स अलग अलग रहेंगे जी हां सर बरोबर बताया आपने जी हाँ तो गाइज अब हम लोगों को जो है वो यूनिट्स लिखना है सो एक्स एक्सिस पे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एंड वाई एक्सिस पे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू सर एक्स एक्सिस पे हम लोगों को कंसिडर करना है आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे हम लोगों को कंसिडर करना है कॉस्ट जरा एग्जाम्पल तो देख लेते हैं सर जी एग्ज़ाम्पल के अंदर आउटपुट दिया दस हज़ार बीस हज़ार चालीस हज़ार साठ हज़ार सत्तर हज़ार समथिंग समथिंग ऐसा कुछ तो भी आपका आउटपुट दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपको जो एक्स एक्सिस है वहां पे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड यूनिट्स लिखना है वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड यूनिट एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट लेना है सर कॉस्ट दो लाख तीन लाख चार लाख वगैरह वगैरह है तो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन लाख रुपीज ये आपको लिखने का मालिक जी हां चलो मार्किंग कीजिएगा चलो फटाफट से वन सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे चलो जल्दी करो मालिक हाँ जी मैंने वाई एक्सिस पे एक एक सेंटीमीटर के पॉइंट प्लॉट कर दिए एक लाख से स्टार्ट करूँगा हाँ जी सर ख so, एक लाख एक लाख एक लाख के जो स्लैब है वो लिखा वन लाख टू लाख थ्री लाख सर जी आ, स्टार्ट करते वक्त जीरो के बाद एक लाख लिखना डायरेक्टली दो लाख मत लिखना ऐसा झोल मत करना भाई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सिक्वेंस में लिखियो चलो इसके बाद जो है वो आ रहा है आपका एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं सर जी एक, एक सेंटीमीटर पे जल्दी से ओके इज ओके सो आउटपुट है मेरा टेन थाउजेंड सो टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड ओके इज इनाफ सिक्सटी थाउजेंड तक किया चलिए सो so, वन सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे टेन थाउजेंड यूनिट्स है वन सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे वन लाख ,00 रुपीज है अब जो है वो आपको लिखना बंद कर दो प्लीज 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 स्टॉप राइटिंग गाइस स्टॉप राइटिंग ठीक है अब इसके बाद आप कंप्लीट करेंगे मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिएगा डायग्राम कंप्लीट करने दीजिएगा फिक्स कॉस्ट फाइंड करने दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने दीजिएगा फिर आप खुद से करेंगे और आप मुझे बताएंगे आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है सो बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स रिपीट द स्टेप्स एक्स एक्सिस पे मैंने लिया आउटपुट वाई एक्सिस पे लिए मैंने कॉस्ट हर एक आउटपुट जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसकी कॉस्ट भी दी गई है उसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं पॉइंट्स प्लॉट करना मतलब क्या है नीचे आउटपुट देखो और वाई एक्सिस पे उसकी कॉस्ट देखो और मैच करो सर जी और पॉइंट प्लॉट कीजिएगा जैसे कि दस हजार यूनिट्स है दस हजार यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट दिया गया है वो दो लाख है तो नीचे तो देखो यहां पे दस हजार यूनिट है और यहां पे आएगा आपका दो लाख तो मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया सर जी अंडरस्टूड क्या किया सर जी दस हजार यूनिट है उसकी कॉस्ट दो लाख है तो गाइज ये जो दस हजार और दो लाख का जो है वो पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू अगला आउटपुट क्या है आपको नहीं ड्रॉ करने का मालिक प्लीज रुक जाइएगा ठीक है लेट मी फिनिश फर्स्ट सेकेंड आउटपुट क्या दिया ट्वेंटी थाउजेंड इज योर सेकेंड आउटपुट ट्वेंटी थाउजेंड के लिए आपको जो कॉस्ट दिया गया है वो थ्री लैक्स है तो आपने एक्स एक्सिस पे देखा ट्वेंटी थाउजेंड और वाई एक्सिस पे देखा थ्री लैक्स तो ये जो पॉइंट है यहां पे आपने प्लॉट किया एक और पॉइंट गाइज चलिएगा सही है गाइज इसके बाद आगे बढ़ते गाइज तीसरा जो आपको आउटपुट दिया था वो फोर्टी थाउजेंड आउटपुट दिया हुआ है फोर्टी थाउजेंड के लिए जो कॉस्ट दिया गया है वो लाख रुपए का कॉस्ट दिया है चलो ठीक है सर जी ये रहा मेरा तो, okay, so जी जी। तो यहां पे मैंने वो पॉइंट प्लॉट कर दिया गाइस बी केयरफुल जब आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट बराबर से ड्रॉ करना इसके बाद लास्ट लेवल आपको जो दिया था वो सिक्सटी थाउजेंड है और सिक्सटी थाउजेंड के लिए आपको जो कॉस्ट दिया गया था वो सेवन लाख दिया है तो एक्स एक्सिस पे आपने सिक्सटी थाउजेंड देखा और वाई एक्सिस पे जो है वो आपने सात लाख देखा तो समवेयर हियर यहां पे वो पॉइंट आएगा तो सिक्सटी थाउजेंड एंड 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 सेवन जी हां सर शाबाश बच्चों तीन स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ड्रॉ कर दिया और जो आउटपुट दिया था उसके पॉइंट प्लॉट किया आई होप सो ये पॉइंट कैसे प्लॉट करना ये आपको समझ में आ रहा है अब करना क्या है गाइस तीसरे स्टेप पे जाना है या फोर्थ स्टेप पे जाना है कवर दीज पॉइंट्स विथ वन स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाएंगे ऑल सच पॉइंट विल बी कवर और सर जी एक स्ट्रेट लाइन आई एम गोना नॉ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सर यस सर जी तो ये जो है वो मेरा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन के अंदर दिया था टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन के अंदर दिया था उसका एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ओके okay, अब इस लाइन ने गाइज बॉयज एंड गर्ल्स एक लाइन ने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माय फिक्स कॉस्ट वहां से मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करने वाला है विच विल बी माय फिक्स कॉस्ट लाइन जी हाँ विच विल बी माई फिक्स कॉस्ट लाइन जी हाँ सो so, कितनी आई ये फिक्स कॉस्ट चेक करो तो गाइज अगर सामने आपके डायग्राम है आप जल्दी से चेक कीजिएगा और बताइएगा मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है फटाफट से आंसर दीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया है जल्दी से आप जो है वो आंसर देंगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है इज इट एक लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है शाबाश को नहीं है पंकज जी शुभम जी हरमान जी इन सब लोगों ने मुझे आंसर दिया है एक लाख रुपए जो है सर जी टेन थाउजेंड नहीं है शायद टाइपिंग मिस्टेक है किसी ने तो भी टेन थाउजेंड आंसर दिया हुआ है इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक एक लाख आएगा सर जी आपका आंसर हाँ जी रिजवान जी करेक्ट आंसर है सो so, एक लाख आ गया मेरा कॉस्ट अब कैसे करना है गाइस अब कैसे करना है सर जी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस करेगा तो वो आएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट वो आएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट सर जी फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं टोटल कॉस्ट जी हाँ एक लाख करेक्ट आंसर है जी हाँ टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट बच्चों कोई भी एक लेवल चेक करो कोई भी एक दो तीन कोई भी लेवल चेक करो सपोज गाइस सबसे पहला लेवल में चेक करता हूं टेन थाउजेंड यूनिट्स का

वो तीन लाख रुपए में से फिक्स कॉस्ट लेस करेगा मैं लाख रुपए का मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है दो लाख इज इट सो से यस और नो एक और लेवल चेक कर लेते हैं सर जी तीसरा लेवल चेक करते हैं गाइस यूनिट्स यूनिट्स के लिए जो मुझे टोटल कॉस्ट दिया था वो फाइव लाख दिया था उसमें से मैं जो है एक लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट लेस करेगा गाइज मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रही है फोर लाख रूपीज सही मालिक

वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फाइंड करने की कोशिश करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने की कोशिश करता हूं सर जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एक लाख एक लाख सर मैं हाईलाइट कर रहा हूं चेक कर लेना मैं हाईलाइट कर रही हूं आप चेक कर लेना सर जी एक लाख को दस हजार से डिवाइड किया सर जी टेन रुपीज आंसर आया दो लाख को बीस हजार से डिवाइड किया टेन रुपीज आंसर आया चालीस uh, हजार को चार चार uh, लाख ,00 को चालीस हजार से डिवाइड किया टेन रुपीज एंसर आया सिक्स लाख को सिक्सटी थाउजेंड से डिवाइड किया टेन रुपीज एंसर आया तो गाइज बॉज एंगल्स अपना आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है रीजन इज दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम और दस रुपए का जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है तो गाइज ये था ग्राफिकल मेथड जो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है आई होप सो आप सब लोगों को एब्सोल्युटली ये मेथड क्लियर हुआ रहेगा क्या किया वापिस एक बार फिर आपको स्टार्ट करना है वर्किंग uh, करना सर हमने क्या किया सर आई नो जी हाँ आई नो कि सर मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं लेकिन सर क्या है क्लास के अंदर ही सब कुछ कंप्लीट करवाने का है सर घर पे बहुत कम पढ़ाई करना है हमें कॉस्टिंग का तो भी क्योंकि मैं क्लास में मैक्सिमम कवर करवा देता हूं जी हा सर जी तो सबसे पहले सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है आउटपुट लिया कॉस्ट लिया आपका आउटपुट दिया है और टोटल कॉस्ट यानी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है वो आपको पॉइंट देख, देख के आउटपुट चेक किया पॉइंट प्लॉट किया, किया वो पॉइंट लाइन आपने जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से फिक्स अगर आपने लेस कर दिया तो आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट और अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो सिंपल है ना भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है सो okay. so, अब आपको जो है ये कंप्लीट करना है और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है माय क्वेश्चन टू यू इज दैट गाइस 80,000 यूनिट्स के लिए टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी ये मेरा आपसे क्वेश्चन अभी नहीं आंसर चाहिए भाई पूरा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा बराबर से वो पॉइंट लेके आइए आ जाइएगा फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ कीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट वगैरह फिर एक आधा ये जो रेड पेन से लिखा है इसमें से एक या दो एग्जांपल आप रिपीट कीजिएगा ओके okay, वहां पे कंप्लीट कीजिएगा कंप्लीट करने के बाद आप जो है मुझे बताएंगे 80,000 यूनिट्स के लिए टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा ओवर टू यू गाई चलो स्टार्ट करो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा है सर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट सर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चन मुझे इस क्वेश्चन में टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है ठीक है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों पोर्शन है ठीक है तो वेरिएबल और फिक्स मिला के टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो ओनली फॉर दिस क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं जस्ट फटाफट करने के लिए ये टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट वगैरह वर्डिंग यूज करो अब यूज करो ना भाई टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों कंफ्यूज कर रहे हो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट दीजिएगा सर चलिए सो so, जैसे ही कंप्लीट करते हो मुझे रिप्लाई जरूर करना एंड रिप्लाई करते करते एटी थाउजेंड के लिए टोटल कॉस्ट भी फाइंड करके बताना ओवर टू यू गाइज चलेगा कंप्लीट कीजिएगा <coughs> कुछ स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है सर जी एटी थाउजेंड के लिए टोटल जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है मुझे दो लोगों ने आंसर दे दिया है नाइन लैक्स आ रहा है तीन लोगों का आंसर है पंकज जी ने भी आंसर दिया है अरमान जी ने यश जी ने शुभम जी सब लोगों ने मुझे आंसर दिया है गाइज़ नाइन लैक्स कितना आंसर दिया नाइन लैक्स लेकिन गाइज़ कंप्लीट किया क्या आपने सो so, अच्छे से लिखा क्या गाइज़ ड्रॉ किया क्या आपको समझ में आया क्या रिप्लाई कीजिएगा समझ में आया नहीं आया हाँ जी सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज दिस इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर आपने बराबर से ड्रा किया एक्स एक्सिस ड्रॉ करते आया वाई एक्सिस एंड जो इंटरसेक्शन पॉइंट बराबर आया एक लाख पे सर अगर आपने ये पॉइंट्स क्लियर लिए रहेंगे बराबर लिए रहेंगे टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड वन लाख टू लाख थ्री लाख फोर लाख फाइव लाख स्स लैसे सेवन लैक तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सर जी हाँ सो so, अब कुछ स्टूडेंट जो है वो मुझे आंसर दे रहे हैं एटी थाउजेंड के लिए जो कॉस्ट है वो नाइन लैक्स आ रहा है चेक करते ना गाइस ओके सो आई होप सो सब लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है आपने ये लिखा क्या गाइस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट यानी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कैसे किया तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मेरा आंसर आ रहा है सो एब्सोलटली क्लियर है अब आपने जो आंसर दिया है वो मैं चेक करता हूं गाइज एटी थाउजेंड के लिए जी अगैस अब आप कोई भी आउटपुट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो सर कोई भी आउटपुट के लिए जी हाँ एटी थाउजेंड के लिए सर जी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपने एग्जाम्पल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है शाबाश बच्चों आपने जो है वो मुझे करेक्ट आंसर दिया नाइन लाख रुपीज का आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है जी हाँ नाइन लाख रुपीज का आपका जो आंसर है वो तोड़ करेक्ट है सर एकदम जबरदस्त आपने आंसर दिया है सर आप देखो ना आप एक्स एक्सिस पे कोई भी आउटपुट ले लीजिएगा एनी आउटपुट कोई भी आउटपुट लो आप बहुत आराम से उसकी कॉस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत आराम से जैसे कि अगर मैंने आपको बताया दो लाख यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करो जी अगैस दो लाख यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट आएगा सर एक्स एक्सिस ऐसे आगे चलते जा रहा है तो सिक्सटी थाउजेंड एटी थाउजेंड नाइनटी थाउजेंड के आगे आगे दो लाख सो दो लाख यूनिट्स के लिए जो है वो मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है कितना आएगा मालिक मेरे सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दस रुपये पर यूनिट है इन टू टू लैख मैं कर रहा हूँ और इसके अंदर एक लाख रुपये का मेरा फिक्स कॉस्ट ऐड होएगा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मेरा जो आंसर आएगा कितना आ रहा है भाई Is it 21 lakhs? अच्छा, मेरा होने से पहले कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है ट्वेंटी कैसे आया अरे ओ मेरे भाई गुड मॉर्निंग नाइनटीन लैक्स कैसे आया भाई आपको एड करना है आपने डिडक्ट कर दिया बीस लाख में से एक लाख लेस कर दिया अरे मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू तो टोटल कॉस्ट चाहिए था भाई है ना लेस नहीं करना हाँ गलती से चलेगा चलेगा यहां पे गलती चलेगा मालिक सो so, बच्चों हम लोगों ने पहला मेथड बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आपको ये जो कंसेप्ट बुक है उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट कैसे आया एवरीथिंग आई गाइस आपको ऐसा नहीं लगता सर ये बहुत लेंदी प्रोसेस है रिप्लाई करो ना सर आपको ऐसा नहीं लगता सर बहुत लेंदी प्रोसेस है आप चेक कीजिएगा ना सर सर इतना एक्स एक्सिस ड्रॉ करने का वाई एक्सिस इतने पॉइंट्स ड्रॉ करने के पॉइंट्स पॉइंट करने का सर फिर एक लाइन ड्रॉ करने का फिक्स कॉस्ट लेना आएगा फिर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस करके वेरिएबल कॉस्ट आएगा अरे सर कितना दस मिनट लग गया मालिक हम अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी जो है वो ऐसे क्या ग्राफ बनाते चलेगा क्या अरे नहीं सर अरे ग्राफ बनाते बैठा ना तो जितने सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबके लिए अलग अलग से ग्राफ लगेगा नहीं चलेगा सर तो मालिक शॉर्टकट देखते हैं क्या है शॉर्टकट सो शॉर्टकट so, का मतलब क्या है सर मेथड नंबर टू पे चलते हैं सो मेथड नंबर टू क्या है चेक करो जबरदस्त है सर मार्क दिस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट सर इंटरमीडिएट में जो मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक है उस मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर मिनिमम फिफ्टी क्वेश्चन बस यही फॉर्मूला पे आने वाले हैं मिनिमम फिफ्टी क्वेश्चन पचास क्वेश्चन बोल रहा हूँ सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दस एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे बजट कंट्रोल के अंदर पंद्रह क्वेश्चन सेम आने वाले हैं सर जी अगे ए टॉपिक के अंदर दस पंद्रह क्वेश्चन सेम आएंगे बस ये एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है एंड तोड़ इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है तो गाइज क्या है फॉर्मूला कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड जी हाँ क्या कंपेयर करना है सर रट्टा नहीं चाहिए ना सिंपल है ना कंपेर बाय पीरियड या कंपेयर बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड सर याद ध्यान दीजिएगा पूरा कंसंट्रेशन यहां पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड सर मैं इस मेथड का लॉजिक आपसे पूछने वाला हूं सर मुझे यह जानना है आप में से कितने स्टूडेंट ठीक है आपका दिमाग लगा सकते हैं ओके सो so, पूरा ध्यान से सुनिएगा एवरी एन ऑफ इज कॉन्सेंट्रेट सर जी यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डायरेक्टली डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन आउटपुट चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट सर ये सिंबल आपको नहीं लिखना है आप बराबर से लिखना डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट या चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट कोई भी दो लेवल का चेक करने का है सर जी कोई भी दो लेवल चलो चेक करते हैं हमारी मैं टेन थाउजेंड यूनिट एंड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट का डेटा चेक करता हूं क्या अपना आंसर करेक्ट आता है क्या लेट सी गाइज डिफरेंस इन कॉस्ट कॉस्ट कितनी है थ्री लैख एंड टू लैख सो तीन लाख में से मैंने जो है वो दो लाख लेस कर दिया मामू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट कौन से दो आउटपुट हमने कंसीडर किया है ट्वेंटी थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड सो यहां पे ले लिया मैंने ट्वेंटी थाउजेंड और उसमें से टेन थाउजेंड जो है वो मैंने सब्सक्राइक कर दिया अरे बच्चों जल्दी से आंसर दीजिएगा कितना आंसर आएगा न्यूमरेटर के अंदर आपका आंसर आ रहा है वन लैक डिनोमिनेटर के अंदर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है टेन थाउजेंड भाइयो भाईयो गॉयज बॉय एंड गर्ल्स आपका जो आंसर आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये टेन रुपीज आ रहा है अरे क्या बात कर रहे हैं सर ये ग्राफिकल मेथड से भी सेम आंसर आता है सर यहां पे भी दस रुपए आया था ना भाई ये रहा सर आपका आंसर यहां पे भी दस रुपए आंसर आया था लेकिन सर कितना मेहनत किया था ठीक है कितनी दुनियादारी करने के बाद हमारा दस रुपए का आंसर आया था यहां पे एक सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू आउटपुट डिवाइडेड बाय दैट टू आउटपुट का जो डिफरेंस है ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट सर कोई भी लेवल कंसिडर करो एनी लेवल कंसीडर करो चेक करते हैं सर सेम आता है फॉर्मुला इज डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट सर जी कॉस्ट का डिफरेंस आएगाटर के अंदर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फिफ्टी थाउजेंड आहो यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है टेन रुपीज पर यूनिट जो है वो आपका आंसर आ रहा है हाँ सर जी टेन रुपीज़ पर यूनिट जो है वो आपका आंसर आ रहा है आई होप सो से ये पॉइंट आप सबको क्लियर है कितना सिंपल है सर इतना सिंपल मेथड है दो लेवल का कॉस्ट का डिफरेंस ले लीजिएगा ठीक है डिवाइड करो दो लेवल यानी दो आउटपुट का डिफरेंस से डिवाइड कर देना आपका जो है वो कॉस्ट पर यूनिट आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा रुकीयेगा लॉजिक में आपसे पूछने वाला हूँ लॉजिक में आपसे पूछने वाला हूँ एंड सर जी अब मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया अब मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का है भाई साहब चलो फॉर्मूला बताओ हाउ आई कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट लगाओ दिमाग लगाओ सर हाउ आई कैन कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट जल्दी से आंसर दीजिएगा फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अप सर अब ये फॉर्मेट के अंदर मैं मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करूंगा इसका आंसर आप दे रहे हो क्या बात है शुभम जी हाँ जी मुझे जो आंसर दिया है वो शुभम शिरके अगे इन्होंने मुझे एकदम फटाफट फड़ से आंसर दे दिया है इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है सर जी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देता हूँ तो आएगा मेरा फिक्स कॉस्ट जी हाँ अरमान जी ने सी एसपरेंट जो है इन्होंने भी सर टोटल कॉस्ट में से से कॉस्ट लेस कर दिया अरे मामू दस रुपए पर यूनिट है और एक पर यूनिट ले रहे नहीं चलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा टेन रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई सी थाउजेंड यूनिट तो सेवन लैख माइनस सिक्स लैख आपका जो आंसर बन रहा है गाइस आपका जो आंसर बन रहा है वो आपका आंसर आ रहा है एक लाख रुपए एंड भाई साहब क्या बात कर रहे हैं यहां पे भी जो अपना आंसर आया था कॉस्ट एक लाख आया था भाई मेथड पांच है पांच में से कोई भी मेथड फॉलो करो आपका जो आंसर है वो मैच होने वाला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दस ही आएगा फिक्स कॉस्ट इन टोटल जो है वो आपका एक लाख ही आने वाला है वन लाख जी हाँ एक लाख जो है वो आपका आंसर आया है भाइयों अब लॉजिक पे चलते सर बाकी लोगों जैसा अपन रट्टा नहीं मारने वाले अब जो है वो लॉजिक की बात चलने वाली सर गाइज आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे हाउ दिस फॉर्मूला वर्क ठीक है फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ गया तो भाई साहब आप रट्टा भी ना मारे भी एग्जाम में ये फॉर्मूला करके आ सकते हैं तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है इसका लॉजिक आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे लेट्स सी है कोई जो मुझे इस फॉर्मूले का लॉजिक बताएगा तब तक मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जी हाँ दस हजार यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट आएगा एक लाख और जो फिक्स कॉस्ट आएगा मेरा वो एक लाख आएगा ऐसे करके मेरा जो कॉस्ट था वो दो लाख है आप आंसर दीजिएगा आप यहाँ पे मत देखिएगा आप ट्राई कीजिएगा मैंने आपको समय दिया हुआ है वाई डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आपको एक्सप्लेन करने का है मालिक ठीक है तब तक मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए ट्वेंटी थाउजेंड के लिए वेरिएबल कॉस्ट आएगा टू लैक्स फिक्स कॉस्ट आएगा एक लाख टोटल कॉस्ट ऐसे आया था आपका थ्री लैक्स फोर्टी थाउजेंड के लिए वेरिएबल कॉस्ट आया था मेरा फोर लैक्स मेरा जो फिक्स कॉस्ट था वो एक लाख था इन दोनों का एडिशन करके मुझे जो आंसर आ रहा है वो फाइव लैख आ रहा है सिक्सटी थाउजेंड के लिए मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सिक्स लैक्स है इसमें मैंने फिक्स कॉस्ट ऐड कर दिया एक लाख रुपए का टोटल कॉस्ट जो है वो मेरा सेवन लैक्स आ रहा है और यहाँ पे आंसर भी आ गया है जी हाँ यशराज सो so, सबसे पहले जो आंसर दिया है वो यशराज जी ने दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लगाया चलो ठीक है मुझे ये फॉर्मूला चाहिए बस ये फॉर्मूला चाहिए सर मुझे आप लीनियर इक्वेशन ये जो मेथड आप बता रहे हो लीनियर इक्वेशन का ये अगला मेथड है गाइस दो मेथड के बाद है ओके okay. सो so, तब हम लोग ये पॉइंट आपने जो आंसर दिया है वो डिस्कस करेंगे फिलहाल वाई डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्यों आया है इसका रीजन चाहिए चलिएगा टाइम अप गाइज किसी को आंसर देना है जल्दी से आंसर दीजिएगा इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गिव आंसर फटाफट से जी हाँ नो आंसर एक ही आंसर आया चलो कोई बात नहीं गाइज मैं एक्सप्लेन करता हूं गाइज न्यूमरेटर के अंदर क्या लिया है डिफरेंस इन कॉस्ट अच्छा तो कॉस्ट का डिफरेंस यानी क्या सर जी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जी एवरी एन प्लीज कॉन्सेंट्रेट चलेगा आपका आंसर मैंने देख लिया है लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो आपका अभी तक आंसर नहीं आया तो बस यहां पे ध्यान दीजिएगा गाइस डिफरेंस इन कॉस्ट सर कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिया है हम लोगों ने यानी ये जो था वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट का था ट्वेंटी थाउजेंड का था सेकेंड ब्रैकेट जो था वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट जो था वो दस यूनिट्स का था जी अग टेन यूनिट्स का था Okay, अब अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूं तो क्या होएगा सर देखते हैं अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूं तो क्या होएगा चेक करते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ओके okay, माइनस है सो so, माइनस यानी क्या होएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट और सर कल के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये था

जी हाँ सर समझा है नहीं समझा गाइज ने क्या लिया है डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ठीक है कोई भी दो लेवल का टोटल कॉस्ट का डिफरेंस हम लोगों ने कंसिडर किया है अच्छा टोटल है. है okay. तो बाइज हमने क्या किया था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स हजार का वेरिएबल कॉस्ट फिक्स दस हजार का बच्चों अच्छा, हम लोगों को पता है दस हजार रहने दो बीस हजार रहने दो तीन लाख कितने भी यूनिट्स रहने दीजिएगा मेरी जो फिक्स कॉस्ट लाख तो यहां पे भी एक लाख है ब्रैकेट ओपन किया तो वहां पे भी एक लाख आएगा एक लाख एक लाख गॉट कैंसल बचेगा क्या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बचेगा और सर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है मालिक ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये अलग होने वाला है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट सेम रहता है लेकिन बीस हजार यूनिट के लिए अलग वेरिएबल कॉस्ट आएगा दस हजार यूनिट के लिए अलग वेरिएबल कॉस्ट आएगा तो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड डिफरेंस इन कॉस्ट इज नथिंग बट डिफरेंस इन कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो न्यूमरेटर में आएगा फिक्स कॉस्ट गेट कैंसल डिवाइडेड बाई आउटपुट अगर आप देखते हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा सर सच में बताओ लॉजिक समझ में आया या नहीं आया यस और नो से यस और नो लॉजिकल समझ में आया है सर ये डिफरेंस इन कॉस्ट लेते वक्त वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एक ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस हो जा, माइनस हो जाएगा सर तो फिक्स कॉस्ट दोनों जगह पे सेम है वो हो गया गाइस कैंसिल बचेगा सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट डिनोमिनेटर में बचेगा मेरा आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट अपन आउटपुट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी ओके सर okay, जी हाँ यस yes. एक स्टूडेंट बोल रहा है नहीं समझा ओ माय गुडनेस नहीं समझा एक बार फिर से एक्सप्लेन करो बाप रे चलो ठीक है एक्सप्लेन करता हूँ डेटा लेके एक्सप्लेन करता हूँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स मैंने डिफरेंस इन कॉस्ट लिया है डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर जी कोई भी दो लेवल चलो एक काम करते ये चालीस हज़ार और साठ हज़ार निकाल दिया अब मेरे पास दो ही लेवल है एक दस हज़ार का लेवल है एक बीस हज़ार का लेवल है ओके और कॉस्ट दिया है दो लाख और तीन लाख डिफरेंस इन कॉस्ट लेते हैं तो सर जी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा एक लाख फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा एक लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है दस हज़ार यूनिट्स का यहाँ पे आई थिंक सो दो लाख है यहाँ पे आएगा मेरा एक लाख और फिक्स कॉस्ट आएगा मेरा एक लाख ये कितने यूनिट का डेटा है ये बीस हजार यूनिट का डेटा है ये कितने यूनिट का डेटा है ये दस हजार यूनिट्स का डेटा है इतना तो समझ में आता है ना भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये बीस हजार का डेटा है और वो दस हज़ार का डेटा है बीस हजार में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों लिया मैंने तो गाइज ये जो एक लाख है ये मेरी फिक्स कॉस्ट है ये जो एक लाख है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है भाई साहब बचपन में हमें सीखा था जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सब निगेटिव साइन चेंज हो जाता है तो गाइज़ आपका साइन चेंज होने के बाद क्या होगा इधर माइनस और इधर भी आ जाएगा आपका माइनस तो भाई साहब इतना सिंपल पॉइंट है ये जो फिक्स कॉस्ट है एक लाख रुपए का ये भी फिक्स कॉस्ट है एक लाख रुपए का तो भाई साहब एक लाख एक जगह पे पॉजिटिव है एक लाख एक जगह पे निगेटिव है तो भाई साहब हम लोगों ने बचपन में सीखा था सेम अमाउंट विल गेट कैंसल मालिक बचा क्या है मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही तो बचा है तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर आउटपुट से डिवाइड किया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही आएगा इतना सिंपल है भाई चलेगा सो so, ये था हमारा सेकंड मेथड अब रिप्लाई कीजिएगा भाई समझ में आया क्या क्योंकि ये एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई साहब फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट विल गेट कैंसल बचेगा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से अगर डिवाइड करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है तो क्या फॉर्मूला है इस हम लोगों ने हमने फॉर्मूला देखा डिफरेंस इन कॉस्ट कोई भी दो लेवल का कॉस्ट का डिफरेंस लीजिएगा कोई भी दो लेवल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट क्या है डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट तो इससे आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इतना सिंपल है सो so आपको लिखना है मेथड नंबर टू ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया है ये आपको लिखना है मेथड नंबर टू कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एक स्टूडेंट बोले सर सॉल्व फर्दर दैट सम हो गया है और कितना सॉल्व करेंगे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना था आ गया है फिक्स कॉस्ट फाइंड करना था आ गया है वेरिएबल कॉस्ट दस रुपया फिक्स कॉस्ट एक लाख है अभी इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं मेरे भाई हाँ जी सो कंपेरिजन बाई पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड वहां पर लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट कोई भी दो लेवल की कॉस्ट लीजिएगा कोई भी दो लेवल वो जो कॉस्ट लिया है उसका आउटपुट का डिफरेंस लीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा एंड नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको लिखना है िक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओके अब लिखिएगा वहां पे आपको सॉल्व करने का है एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ कंसेप्ट बुक जो हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था ना वो क्वेश्चन वो ये मेथड से सॉल्व करके बताओ चलो तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट आपको लेना है डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट कोई भी दो लेवल लो सर कोई भी दो लेवल फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट फोर्थ कोई भी दो लेवल का डिफरेंस लीजिएगा जैसे कि गाइस सपोज मैं सेकेंड एंड थर्ड लेवल ले रहा हूं ये ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड ले रहा हूं आप भी वही लेना सर फाइव लाख माइनस थ्री लाख जी कौन से दो लेवल ले रहे मैं हाई कर देता हूँ एक ट्वेंटी थाउजेंड का कॉस्ट लिया एक फोर्टी थाउजेंड का कॉस्ट लिया सो बॉयज एंड गर्ल्स थ्री लैक्स एंड फाइव लैक्स डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल टू बहुत सिंपल है न्यूमरेटर में आ रहा है आपका टू लैक्स डीमिनेटर के अंदर आ रहा है आपका ट्वेंटी थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया मेरा टेन रूपीस आया सब लोगों का आंसर टेन रुपीज नो yes no? चलेगा सो so ये आया आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बच्चों फिर हम लोग फाइंड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट आपको लेस करना है आएगा आपका फिक्स कॉस्ट हाँ जी सर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोई भी एक लेवल कोई भी एक लेवल इधर आप ट्वेंटी थाउजेंड का लीजिएगा या फोर्टी थाउजेंड का सपोज फोर्टी थाउजेंड का टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है फाइव लाख रुपीज माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है टेन रुपीज पर यूनिट इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया फोर्टी थाउजेंड तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा फाइव लैख माइनस फोर लैक्स आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ रही है वन लाख रुपीज सो बच्चों फिक्स कॉस्ट है आपका एक लाख वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका टेन रुपीज ये रहा आंसर सो so, एक लाख जी हाँ

आपको खुद से सॉल्व करना है आपके नोटबुक के अंदर ओके लेट्स सी गाइस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट ओके क्या फाइंड करने का वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट अल्सो प्रिपेयर टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट ओ हो हो जबरदस्त है अल्सो प्रिपेयर टोटल कॉस्ट का स्टेटमेंट फॉर 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सर सजीत 200 यूनिट का भी कॉस्ट शीट बनाने का है ओके आपको मंथ दिया हुआ है जनवरी फरवरी आउटपुट दिया है 100 140 टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है 260 300 भाई साहब इमीडिएटली चेक कर लेते हैं ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट करेक्ट है क्या पर यूनिट सेम आता है क्या चेक करते हैं 260 डिवाइडेड बाय 100 नहीं सर 2.6 है थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन फोर्टी नहीं सर टू पॉइंट वन ऐसे कुछ तो भी आ रहा है पर यूनिट सेम नहीं है टोटल सेम नहीं है इसका मतलब ये आपका है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बच्चों में आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप मुझे आंसर देने वाले हो सो आप फॉर्मूले अप्लाई कीजिएगा ग्राफ से सॉल्व नहीं करने का है सो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट

सी एस्पिरेंट आई डोंट नो नेम क्या है उनका वेरिएबल कॉस्ट दस रुपए दिया है रिजवान जी ने दिया है वेरिएबल कॉस्ट एक रुपए है कुछ लोग बोल रहे फिक्स कॉस्ट वन सिक्सटी है ओके यानी मुझे मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वन रुपीज है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वन सिक्सटी है वेरिएबल कॉस्ट वन रुपीज है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वन सिक्सटी है ओके ठीक है देखते आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट मुझे नहीं पता श्रेया जी ने भी आंसर दिया है वन रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, है वो 160 है। चलो काफी सारे स्टूडेंट आंसर आप ये जो आंसर दे रहे ना ये जो क्वेश्चन है मे बी सर एम में ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो चार ऑप्शन दिया जाएगा कॉस्ट टोटल बता दो चार ऑप्शन दिया जाएगा जी हाँ सर कुश रुपेश ये सारे स्टूडेंट मुझे आंसर दे रहे वन रुपीज एंड वन सिक्सटी सर एक भी स्टूडेंट ने गलत आंसर शायद नहीं दिया है लेट्स चेक दैट एग्जांपल नंबर टू ऑफ कंसेप्ट बुक आप ऐसे लिख रहे हो गाइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट जी अगर डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट यहां पे दो ही लेवल दिया हुआ है वो दो लेवल हमें चेक करना है 300 एंड 260 सो so 300 दिया है एक कॉस्ट है 260। डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट 140 फोर्टी एंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी एंड हंड्रेड न्यूमरेटर में क्या आया सर जी न्यूमरेटर में फोर्टी रहा है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर फोर्टी आर oh, है वन रुपीज पर यूनिट जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है परफेक्ट आंसर दिया है एक रुपए का अब मैं फाइंड करूंगा वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेक करते सर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट हां जी सो सपोज 300 एक लेवल मैंने कंसीडर कर लिया वेरिएबल कॉस्ट है वन रुपीज पर यूनिट क्वांटिटी कितना था 140 फोर्टी यूनिट है सो वन इंटू वन फोर्टी और 300 का डिफरेंस गाइस बॉयज एंड गर्ल्स आप सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज आप सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है वन हंड्रेड एंड सिक्सो एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया है और शायद एक ही स्टूडेंट ऐसे है जिन्होंने मुझे उसका आंसर दिया हुआ है ओनली वन स्टूडेंट इज देयर जिन्होंने मुझे टोटल कॉस्ट ऐसे कुछ तो भी आंसर दिया है अरे भाई एक और क्वेश्चन है ना भूल गए क्या आप क्या है वो एक और जबरदस्त वाला क्वेश्चन इसका आंसर तो दिया नहीं आपने भाई साहब अरे भाई साहब टोटल कॉस्ट बताएंगे कमाल करते हो पांडे जी टोटल कॉस्ट बताएंगे 200 सौ यूनिट्स का यू इन्फॉर्म मी टोटल कॉस्ट फॉर 200 हंड्रेड यूनिट्स दो सौ यूनिट्स का टोटल कॉस्ट बताओ चलो इसका आंसर किसी ने नहीं दिया आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर थ्री सिक्सटी आंसर है शायद किसी ने तो भी दिया हुआ था पहले यह आंसर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी ओके वेरी दो तीन स्टूडेंट ने आंसर दिया थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री देखो कितने चैंपियन हो गए तुम लोग चैंप हो गए सब लोग एवरी वन इज गिविंग मे आंसर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी लेट सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नोट टोटल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स हंड्रेड यूनिट्स सो टोटल कॉस्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज वन रुपीज पर यूनिट इन टू टू हंड्रेड बॉयज एंड गर्ल्स आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो अगर आप चेक कर सकते हो ऊपर लिखा हुआ है वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सो बॉयज एंड गर्ल्स टू हंड्रेड प्लस वन सिक्सटी आपका जो आंसर आ रहा है वो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी आ रहा है शाबाश ईच वन ऑफ यू गिव मी करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट आंसर आप सब लोगों ने दिया हुआ है तो फटाफट से कंप्लीट कीजिएगा ठीक है टोटल कॉस्ट भी हम लोगों ने फाइंड कर दिया एग्जाम्पल नंबर टू और जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है रिप्लाई कीजिएगा डन सर सो दैट वी कैन जंप टू द नेक्स्ट मेथड प्रेजेंटेशन प्रॉपर कीजिएगा शबाश सर जी ये जो है वो एम सी क्यू पूछ सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए इतना सिंपल हो सकता है सर आपका बाकी सब लोग रिप्लाई कीजिएगा जो लोग मुझे आंसर दे रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट जो मोबाइल में देख रहे हैं उनको आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है जो लैपटॉप पे वगैरह देख रहे हैं वो फटाफट -फड़ से आंसर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सर डन सर ओकेज क्लियर गाइस आई थिंक सो आई होप सो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है दोनों मेथड बहुत अच्छे से आपको समझा है पहला मेथड हमने देखा था ग्राफिकल मेथड सेकेंड मेथड हम लोगों ने देखा है कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी सर आई एम सरप्राइज आई एम सरप्राइज किसी ने मुझे ये नहीं बोला सर ये मेथड का नाम समझ में नहीं आ रहा है सर एक भी स्टूडेंट ने मुझे ये रिप्लाई नहीं किया मैं वेट कर रहा था किसी ने तो भी क्वेरी uh, पूछना चाहिए कि सर इसका नाम झेपा नहीं सर कंपैरिजन बाय पीरियड ये क्या होता है कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी इसका मतलब तो बताओ ना सर गाइस मैं आपको मतलब बताता हूं कंपैरिजन बाय पीरियड का मतलब आपको दो पीरियड का डेटा दिया जाता है जैसे कि ये जनवरी फेब्रुआरी या फिर आपको दो पीरियड का डेटा दिया जाएगा टू एंड टू So, समझ में आया कंपैरिजन बाय पीरियड क्या होता है सर जी दो साल का डेटा अप्लाई किया दो क्वार्टर का डेटा अप्लाई किया दो मंथ का डेटा अप्लाई किया तो इसलिए इसका नाम दिया है, गया है कंपैरिजन बाय पीरियड ठीक है और दूसरा नाम क्या है इसका और कंपैरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी सर लेवल ऑफ एक्टिविटी ये क्या है टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड यह लेवल ऑफ एक्टिविटी है लेवल ऑफ प्रोडक्शन है सर यहां पे आप चेक करेंगे हंड्रेड एंड वन फोर्टी ये आउटपुट यानी ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन है एक्टिविटीज है इसलिए इसका नाम दिया हुआ है आप दो साल का डेटा या दो आउटपुट का डेटा कंपेयर कर रहे हो इसलिए कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी इसका नाम दिया गया है हाँ जी सर आई होप सो पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू डन so, sir, ओके okay, sir. नाउ अगले मेथड की तरफ आते हैं अगला मेथड का नाम चेक करो क्या है हाई लो पॉइंट मेथड सर मेथड का नाम क्या है हाई लो पॉइंट मेथड गाइस मे 2010 के अंदर सीए फाइनल में कहा पे सर सी इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा में 2010 के अंदर सी ए फाइनल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया और जहां पे बोला था सॉल्व बाय हाइलो पॉइंट मेथड पूरे सी ए फाइनल के मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था मॉड्यूल की बात करो सर इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है या फिर सर जी तब कंपाइलर वगैरह रहता था ठीक है प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह रहता था सर एक भी जगह पे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था ये हाइलो पॉइंट मेथड का और एक दस मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम भाई साहब मॉड्यूल चेक किया बहुत सारे स्टूडेंट ने बाद में तो मॉड्यूल में दो लाइन में, इसका दिया था, हाई -लो में था। ठीक है? और वो क्या है हाईलो पॉइंट मेथड सर जी आपने एक फॉर्मूला देखा है कौन सा फॉर्मूला डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट ओके okay. सर यही फॉर्मूला है हाई लो पॉइंट मेथड का आप बोलेंगे अरे सर क्या बोर कर रहे हैं ठीक है ठीके? अरे सर कुछ भी क्या सर आप ये फॉर्मूला तो कंपैरिजन बाय पीरियड और कंपैरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी का बता रहे हो और यही फॉर्मूला हाई लो पॉइंट का बता रहे हो अरे हाँ सर बिलीव मी यही फॉर्मूला है सिर्फ आपको करना क्या है सर डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेते वक्त हाईएस्ट लेवल एंड लोएस्ट लेवल का कंसीडर करना है इएस्ट आउटपुट का एंड लोएस्ट आउटपुट का कंसिडर करना है सर इतना सिंपल था और बहुत सारे स्टूडेंट को सॉल्व नहीं करते आया क्योंकि सर डिटेल के अंदर थियरी नहीं पढ़ते थे एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था बस ये दो या तीन लाइन वहां पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ था हाई लो पॉइंट मेथड के अंदर आपको क्या करना है तो डेटा कंपेयर करते वक्त हाइएस्ट एंड लोएस्ट डेटा कंपेयर करना है बाकी फार्मूला सेम रहेगा डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट ये जो फॉर्मूला था वो एब्सोल्यूटली सेम था ओके सो गाइज अगर वहां पे ना ऐसे लिखा गया है एग्जाम्पल नंबर थ्री सॉल्व एग्जाम्पल नंबर वन विद हाई लो पॉइंट मेथड ये सॉल्व नहीं करने का है सर अपने को मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये एग्जाम्पल नंबर वन हाई लो पॉइंट से सॉल्व करने का है. अरे भाई साहब हाई लो पॉइंट मेथड में ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है तो डिफरेंस इन कॉस्ट लेते वक्त सर जी डिफरेंस इन कॉस्ट एंड डिफरेंस आउटपुट लेते वक्त हाईएस्ट लेवल लेना है एंड लोएस्ट लेवल लेना है बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा सर जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट आउटपुट सो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा मालिक सेवन लैक्स माइनस ट्यू लैक्स डिवाइडेड बाय आउटपुट का डिफरेंस आएगा सिक्सटी थाउजेंड मालिक माइनस टेन थाउजेंड

हाई लो पॉइंट मेथड का बहुत सारे स्टूडेंट को सी फाइनल में ये सॉल्व नहीं करते आया मैं टू की बात कर रहे हैं सो okay. so, क्या डिफरेंस है कंपैरिजन बाय पीरियड एंड हाई लो पॉइंट मेथड इन दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है सर कंपेरिजन बाय पीरियड मेथड के अंदर आप जो है कोई भी दो लेवल कंसीडर कर सकते हैं सर हाईएस्ट करो लोएस्ट करो बीच में का करो वन टू वन थ्री वन फोर वन सिक्स टू थ्री टू फोर वट जो आपको अच्छा लगता है वो लेवल आप कंसिडर कर सकते हो लेकिन हाई लो पॉइंट मेथड के अंदर कंपलसरीली हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल आपको कंसिडर करना है सो so, यहाँ पे हम लोगों ने हाँ जी सर जी यहाँ पे हम लोगों ने तीन मेथड कंप्लीट कर लिया सर अब बचे दो मेथड जिसमें से एक थेरोटिकल मेथड है जो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन है एक ही प्रैक्टिकल मेथड बचा हुआ है और वो है सर जी क्वेर मेथड ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सर सी ए फाउंडेशन में भी था इलेवेंथ में भी था ट्वेल्थ में भी था लीस्ट स्क्स मेथड में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सोल्व करने का क्या करने का दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कीजिएगा और आपको जो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए आपको जो फिक्स कॉस्ट चाहिए वो आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं कोई यानी दो सैमिलटेनियस इक्वेशन आपको वर्कआउट करना है अरे सर इक्वेशन बताओ जल्दी आपको पता है सर ये इक्वेशन आपको पता है सर आपने सीपीटी के अंदर ये इक्वेशन किया हुआ था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है सर सैमल्टेनियस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये सिंपल आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा और आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप फाइंड करेंगे गाइस बॉयज एंड गर्ल्स यहां पे ध्यान दीजिएगा बॉयज एंड गर्ल्स वाई सर वाई एक्सिस पे क्या लिया था कॉस्ट लिया था ठीक है कौन सी कॉस्ट है सर जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है भाई हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ही टॉपिक के अंदर हैं इसके बाद गाइज एक्स एक्सिस पे क्या लिया था एक्स एक्सिस पे क्या लिया था सर जी एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया था okay, भाई साहब सी सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या रहता है मालिक फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है एंड एम जो है वो रहता है सर जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी हाँ एम जो रहता है वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ठीक है तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको सॉल्व करने का है एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू आपको जो चाहिए वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगेगा और आपको फिक्स कॉस्ट लगेगा ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करने का है. सर जी कैसे 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 सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करने का इसका कोई एग्जाम्पल है क्या चलो ठीक है हम लोग एक काम करते हैं

मालिक सबसे पहला इक्वेशन क्या आएगा सबसे पहला इक्वेशन क्या आएगा वाई इज इक्वल टू एम प्लस सी वाई स्टैंड फॉर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एम यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है एक्स यानी आउटपुट हाँ सर जी पता है आउटपुट y इज इक्वल टू टू लैक्स इज इक्वल टू एम यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है एक्स यानी आउटपुट जी हां दस ओके okay, एक काम करते हैं यहां पे लेता हूं पहले सेकंड लिखता हूं तीन लाख सेकंड लिख रहा हूं बीस हजार का डेटा लिख रहा हूँ ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सी पता नहीं है ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर ठीक है ये है। अब मैं बना रहा हूं सर जी इक्वेशन नंबर च्यू दो लाख रुपए का मेरा कॉस्ट है इज इक्वल टू एम पता नहीं है दस हजार पता है सर प्लस सी दिस इज माई इक्वेशन नंबर च्यू यह दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है सर जी क्या करे इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर च्यू सो सर जी माइनस 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 तीन लाख में से दो लाख लेस करता हूं तो मेरा आंसर आएगा एक लाख इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड में से दस हजार लेस करता हूं तो ये आएगा मेरा टेन थाउजेंड एम ओ भाई साहब एक जगह पे पॉजिटिव सी है एक जगह पे निगेटिव सी है <coughs> <coughs> वो कैंसिल हो जाएगा सॉरी देर फॉर एम इज इक्वल टू एक लाख डिवाइडेड बाय दस हजार टेन रुपीज पर यूनिट है सर वो आ गया आंसर आ गया सर दस रुपए पर यूनिट क्या था दस रुपए था एंड अब ये एम का वैल्यू कोई भी के अंदर डाल देता जिससे मेरा guys, C, यानी fixed cost का टेन इन टू ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सी देर फॉर सी इज इक्वल टू थ्री लैख माइनस टू लैख एक लाख मेरा आंसर आया है ओ भाई साहब एम यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दस रुपए आंसर मैच हो गया एंड गाइज आपका सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट फिक्स कॉस्ट एक लाख आपका आंसर मैच हो गया अपने एग्जाम्पल के साथ तो चलो सबसे पहले मेथड लिखिएगा लीस्ट स्क्वेयर मेथड फटाफट से हेडिंग दीजिएगा गाइस लीस्ट स्क्वेयर मेथड Here we will solve two simultaneous equations. Here we will solve two simultaneous equations. Here we will solve two simultaneous equation. Write equation y is equal to mx plus c. Y is equal to m x plus c. Here, here, y is equal to total semi-variable cost. Here, y is equal to total semi-variable cost. M is equal to variable cost per unit. M is equal to variable cost per unit, X is equal to output, X is equal to output, X is equal to output and C is equal to fixed cost total and C is equal to total fixed cost. आई होप सो कंप्लीट हुआ है आपने चलो बच्चों चलो आपका टेस्ट ले रहे हैं है ना ये जो एग्जाम्पल नंबर फोर आपके कंसेट बुक के अंदर दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नंबर फोर आपको सर जी साइमल्टेनियस इक्वेशन लीस्ट क्वेर मेथड से सॉल्व करने का है ये मेथड आपको अप्लाई करने का है सर आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर देंगे एग्जाम्पल नंबर फोर फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट बाय यूजिंग स्क्वेयर मेथड क्या यूज करने का है सर जी लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज करने का वॉल्यूम दिया है आउटपुट दिया है 150 फिफ्टी यूनिट टू हंड्रेड यूनिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है 1200 हंड्रेड एंड वन टू सेवन फाइव ट्वेल्व हंड्रेड एंड वन टू सेवन फाइव चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया गाइज इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सर क्वायर मेथड से सॉल्व करने का है वाईज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दो इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा एक्स की वैल्यू बताएंगे सी की वैल्यू बताएंगे आपका टाइम स्टार्ट हो गया है आपके पास सिर्फ दो मिनट है मुझे आंसर देने के लिए और जल्दी से आंसर देंगे हेलो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स आखिरी के थर्टी सेकेंड्स बाकी है आपको आंसर देना है ओ हो हो वही बोलो आंसर क्यों नहीं आ रहा है आप फटाफट -फड़ से आंसर आना स्टार्ट हो गया शुभम शिरके जी इन्होंने आंसर दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव एम एम यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो वन पॉइंट फाइव है बंसल जी इन्होंने मुझे आंसर दिया कॉस्ट कॉस्ट इज़ एंड वेरिएबल जो है, वो है। चलो बाकी लोग एक 975 आ जी वन पॉइंट फाइव सेवेंटी फाइव आंसर आ रहा है क्या बात है आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट आई लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट का सेम आंसर आ रहा है तो शायद करेक्ट रहेगा वेरी गुड यशराज जी 975 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 1.5 सर बाकी लोग आंसर दीजिएगा इतने लोग ऑनलाइन में कनेक्ट हुए हैं जी हाँ 1.5 पॉइंट फाइव एंड नाइन ओके फाइव ओकेज़ 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 चलो जल्दी 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 आखिरी के 10 सेकेंड सर जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप जितने भी आंसर आए हैं सारे के सारे स्टूडेंट ने मुझे यही आंसर दिया है 975 एंड 1.5 975 मेरा फिक्स कॉस्ट है एंड 1.5 जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है लेट्स सी गाइस ओहो एवरीवन एवरीवन यू कैन लुक एट द कमेंट सब लोगों ने सेम आंसर दिया है Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चलो ठीक है सपोज वन टू सेवन फाइव इज इक्वल टू एम पता नहीं है एक्स पता है कितना है भाई एक्स टू हंड्रेड प्लस सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट इक्वेशन नंबर वन मैं आशा करता हूं आप प्रॉपरली लिख रहे हो सर देन Next level is 1200 is equal to m multiplied by x any output 150 plus c stand for constant. This is my equation number 2. This is my equation number 2. By equation number 1 minus equation number 2. Minus minus. माइनस लेट्स सी 1275 में से 1200 गया आपका आंसर जो बचेगा वो 75 आया 200 में से 150 गया आपका आंसर आ जाता है 50m एक जगह पे पॉजिटिव सी है एक जगह पे नेगेटिव सी है वो कैंसिल हो गया तो भाई साहब आपका जो आंसर आ रहा है m 75 डिवाइडेड बाय 50 जी हां 75 डिवाइडेड बाय 50 1.5 आपका आंसर आता है देयरफॉर Variable cost per unit is equal to 1.5. Shabazbacho. Now insert value of this M in any one of the equation to get the value of C. So about pehle equation me diya. 1275 is equal to 1.5 into 200 plus C. Therefore, 1275 is equal to 300 plus C. Therefore, C is equal to 975. शाबाश बॉयज एंड गर्ल्स सब लोगों ने आई एम रियली इंप्रेस्ड बाई यू फिक्स इज इक्वल टू नाइन सेवनटी फाइव जी हाँ सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आपने भी बहुत सिस्टमेटिकली ये सॉल्व किया रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूं सब लोगों का कंप्लीट हो चुका है लिखा है आपने या रफ में सॉल्व किया चलो अगर कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जल्दी 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 रिप्लाई कीजिएगा नाइन फाइव आपका आंसर करेक्ट था वन पॉइंट फाइव आपका आंसर करेक्ट है ठीक है डन सिंपल है सर मजा आ रहा है एकदम खुंखार मजा आ रहा है ठीक है बेसिकली क्या है सर जी जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा तो नथिंग लाइक दैट प्रैक्टिकल में तो बहुत मजा आता है लेकिन सर हम लोगों को जैसे बताया कि भाई थेरी पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का है तो थेरी भी रहेगा तो थोड़ा मिक्स रहता है सर अब आगे के जो टॉपिक आएंगे वहां पे 90 परसेंट प्रैक्टिकल है 10 परसेंट ही थेरी है एक आधा एक घंटे का बहुत सारे लेक्चर के अंदर बहुत सारे टॉपिक के अंदर बस आधा या एक घंटे का ही थ्योरी रहेगा बाकी पूरा प्रैक्टिकल रहेगा कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जहां पे थियोरी ज्यादा है जैसे कि ये फर्स्ट टॉपिक था हाँ जी सर सो कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स अब बढ़ते हैं सर जी आखिरी मेथड की तरफ और आखिरी मेथड एक्चुअल में है ही नहीं सर थियोरिटिकल मेथड है क्या है चेक करते सर मेथड का नाम दिया गया है एनालिटिकल मेथड जी हाँ मेथड का नाम दिया गया एनालिटिकल मेथड यहां पे क्या करने का चेक करेगा, और हर एक कॉस्ट को बाइफर्केट करने की कोशिश करेगा कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है ठीक है करना क्या है यहां पे एनालिटिकल मेथड में पढ़ो सर इतना ही है अंडर दिस मेथड एक्सपीरियंस्ड कॉस्ट अकाउंटेंट ट्राइज टू जज वट प्रपोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी वेरिएबल एंड वॉट वुड बी जी एक्सपर्ट को अपॉइंट करो वो चेक करेगा कितना वेरिएबल आएगा कितना फिक्स आएगा it, इतना सिंपल है जी खुंखार मजा आया जी हाँ सर खुंखार मजा आया सर मजा तो आगे आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि आज सर हमें यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करने तो तब आपको खुंखार मजा आएगा जी हाँ सो बॉयज एंड गर्ल्स एनालिटिकल मेथड क्या है एनालिटिकल मेथड में एक्सपर्ट को अपॉइंट किया एंड एक्सपर्ट बिहेवियर चेक करेगा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी चेक करेगा कि कितना वेरिएबल हो सकता है कितना फिक्स करेगा वो कुछ उसका एक्सपीरियंस अप्लाई करेगा और ऊपर में से कोई तो भी मेथड अप्लाई करके टोटल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर बाइफर्केट करेगा करके चलो सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर कैसे बायफर्केट करने का सारे मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ठीक है तो सर क्या अब आप कोटेशन दे सकते हैं क्या आ जाता हूं कल के क्वेश्चन पे आ जाता हूं कल के क्वेश्चन पे जो वेरिएबल कॉस्ट था वो आपने मल्टीप्लाई करके सर याद है ना कल का क्वेश्चन एक कस्टमर आया नया है वह एक कस्टमर आया और कस्टमर बोलता है तीन हजार यूनिट्स का ठीक है या तीस हजार यूनिट्स का कोटेशन उसको देना है अगर कोटेशन देना है भाई तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होएगा पर यूनिट को आपने तीस हजार से मल्टीप्लाई कर दिया फिक्स इट इज है अब बचा सेमी वेरिएबल कॉस्ट चलो अब आपका सर एग्जांपल है यानी आपको मुझे बताने का है कि भाई साहब थर्टी थाउजेंड यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइटिंग का खर्चा कितना आएगा थर्टी थाउजेंड यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपेंस कितना आएगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ये मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा तीनों जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है अलग अलग करने का है आप फॉर्मूला कौन से अप्लाई करेंगे सर सबसे बेस्ट मेथड है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट कॉस्ट का डिफरेंस लीजिएगा आउटपुट का डिफरेंस लीजिएगा और मुझे फटाफट -फड़ से आंसर दीजिएगा सर जी लाइटिंग में वेरिएबल कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट कितना है फिर तीस हजार की कॉस्ट कितनी है इलेक्ट्रिसिटी uh, टेलीकम्युनिकेशन में सॉरी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट कितना है टोटल कॉस्ट कितना तीस हजार यूनिट के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है एंड थर्टी थाउजेंड के लिए कितना कॉस्ट आएगा चलो सर जी आपका टाइम स्टार्ट हो गया अप्लाई करो रफ में सॉल्व करने का सर जल्दी 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी रफ में सॉल्व करने का है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर आएगा ठीक है पूरे इंडिया में फेमस कर दूंगा उसको जिसका आंसर सबसे पहले आ रहा है ओए होए पंकज जी आपने तो दे दिया आंसर देखते करेक्ट नहीं है लाइटिंग का फोर्टी थाउजेंड बताया बट बत पंकज जी ये डायरेक्ट थर्टी थाउजेंड का कोटेशन है या कैसा है ये मुझे पता नहीं है आप बता देना अच्छे से या वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है लाइटिंग चलो मैं कर रहा हूं सर डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट कॉस्ट है मेरा थर्टी थाउजेंड अच्छा आपको आउटपुट नहीं दिखेगा ना आउटपुट बीस हज़ार और दस हज़ार है सर आउटपुट दस हज़ार और बीस हज़ार है देख लेना आप टेन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड आउटपुट है सो थर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड सो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड वन रुपीज़ पर यूनिट आया लाइटिंग के बाद है टेली टेलीकम्युनिकेशन में सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय आउटपुट का डिफरेंस है ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड सो भाई साहब ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड टू रुपीज पर यूनिट आंसर आ रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का डिफरेंस इन कॉस्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड आपको जो आंसर आता है वो टू पॉइंट फाइव रुपीज पर यूनिट आए ठीक है ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया अब जो है वो फिक्स कॉस्ट आएगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कोई भी एक लेवल चेक करता हूं अरे आंसर नहीं आ रहे मेरा ही आंसर आ गया सर आपसे पहले चलो सो टोटल कॉस्ट लिया सपोज मैंने थर्टी थाउजेंड माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिया मैंने ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एक रुपया सो दस हजार रुपए का जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन का चेक करते हैं टेली में सिक्सटी टोटल कॉस्ट है माइनस ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टू रुपीज वेरिएबल कॉस्ट दो रुपए है चालीस हजार और साठ हजार का जो डिफरेंस आएगा वो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा रिपेयर लेस करूंगा बीस हजार यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव पच्चीस हजार जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट आ रहा है अब ऊपर आंसर लिख रहा होगा इस थर्टी थाउजेंड का कोटेशन देना है सो थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस टेन थाउजेंड फिक्स कॉस्ट तो मेरा आंसर है फोर्टी थाउजेंड किसी ने तो भी करेक्ट आंसर दिया था पंकज जी ने करेक्ट आंसर दिया था बाकी लोगों के आंसर क्यों रुक गए भाई टेली कम्युनिकेशन का गाइस थर्टी थाउजेंड यूनिट्स का कोटेशन देना है मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट के लिए दो रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगता है फिक्स कॉस्ट है मेरा ट्वेंटी थाउजेंड का मेरा जो आंसर आएगा थर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड ट्वेंटी एटी थाउजेंड जो है वो मेरा आंसर आ रही है नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर गाइस थर्टी थाउजेंड यूनिट का मुझे कोटेशन देना है एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है टू पॉइंट फाइव फिक्स कॉस्ट है मेरा पच्चीस हजार सो मेरा जो आंसर बनेगा थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जी मालिक प्रभु एक लाख जो है वो मेरा आंसर आ रहा है देखो अब आप कोई भी लेवल का कोटेशन दे सकते हो किसी भी लेवल का आपको पता चल गया है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर कैसे बाइ करना है डिफरेंस डिफरेंस इन इन कॉस्ट अपॉन आउटपुट लेके आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड किया एंड टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फाइंड किया फिर भाई तीस हजार आने दो पचास हजार आने दो एक लाख दो लाख कोई भी यूनिट का कोटेशन आप बिल्कुल आराम से दे सकते हो अगे तो ये इस पर्पज के लिए हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेशन करना चलो सो so गाइस हमने सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड देखा सबसे पहला मेथड जो ग्राफिकल देखा एक्स एक्सिस लिया वाई एक्सिस लिया आउटपुट और कॉस्ट दिए थे पॉइंट्स प्लॉट किए ड्रॉ अ लाइन आप इंटरसेक्शन किया वो फिक्स कॉस्ट लाइन है स्ट्रेट लाइन डॉप किया टोटल कॉस्ट और कॉस्ट कॉस्ट का डिफरेंस आएगा मेरा वेरिएबल सेकंड मेथड था कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेना है कोई भी दो ले सकते हो सर ये मेथड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू तो फिक्स कॉस्ट तीसरा मेथड देखा हाई लो पॉइंट मेथड हाई लो पॉइंट मेथड के अंदर क्या किया सर यही फॉर्मूला अप्लाई किया डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेकिन

और लास्ट मेथड था थियोरेटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड, एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिएगा वो बाइफरकेट करेगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के अंदर चलिएगा नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गेट रेडी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन बाय योर सेल्फ गाइज आपको खुद से अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं सॉल्व करने ही वाला हूं बिंदास रहिए सर अगर आपको नहीं आ रहा है ना टेंशन ना लो सर लेकिन आप खुद से ट्राई करो क्या होएगा सर बाकी लोगों जैसा मैं भी लिखते जाऊंगा और आप कॉपी करते जाएंगे सर इससे इससे सर जी सिचुएशन सॉल्व नहीं होएगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा आप ट्राई करेंगे सर पहले कंसर्ट में एक्सप्लेन करूंगा उसके कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा उसके बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा सर जी ठीक है यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होता है सर मैं आपको खुद की प्रिपरेशन करवा के दूंगा सर जी सेल्फ स्टडी को बहुत कम टाइम आएगा चलिएगा सो बॉयज बॉयल्स क्वेश्चन नंबर गेट रेडी आपको सॉल्व करना है और जो मेथड दिया है वही मेथड से सॉल्व करने का है लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन कंसेप्ट बुक के अंदर दिया हुआ है आपको खुद से सॉल्व करने का है फॉलोइंग आर द मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन अ मशीन शॉप फॉर द सिक्स मंथ विथ करस्पॉन्डिंग मशीन आवर्स ठीक है सर मेंटेनेंस का कॉस्ट दिया और मशीन uh, आवर्स दिया है मंथ दिया है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून एंड टोटल दिया हुआ है इसके बाद मशीन आवर से 2200 1700 2400 1800 1900 एंड 12000 टोटल है सर ये जो लास्ट लाइन है वो टोटल है ध्यान से ये मंथ नहीं है ये टोटल है इसके बाद आपको दिया हुआ है मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट रुपईस के अंदर दिया हुआ है एनालाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट व्हिच इज अ सेमी वेरिएबल इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट बाय कौन से मेथड से अरे भाई साहब हाई लो पॉइंट मेथड जी हाँ मालिक प्रभु कौन सी मेथड अप्लाई करने की है हाई लो पॉइंट मेथड ठीक है सर जी आप मुझे बताएंगे हाई लो पॉइंट यानी कौन सा मंथ क्योंकि आप को सुनकर हंसी आएगी ठीक है कुछ लोग इसका गलत आंसर देते हैं इसलिए मैं पहले ही क्लैरिटी लाना चाहता हूं सर ये आप डेटा एनालाइज कीजिएगा हाइएस्ट एंड लोएस्ट लेवल बताएंगे सर मंथ में बता देना हाइएस्ट एंड लेवल भाई ये टोटल मंथ बताना टोटल हाइएस्ट है अरे नहीं भाई इट जस्ट टोटल ऑफ द मंथ सो हाई लो पॉइंट मेथड में हाइएस्ट कौन सा मंथ लेने का और लोएस्ट कौन सा मंथ लेने का ये मुझे बताइएगा आई नो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन उसमें भी कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं इसलिए क्लैरिटी लाना मेरी यानी प्रायोरिटी है जी हाँ क्या बात है क्लैरिटी लाना मेरी प्रायोरिटी वाह 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 जी सर अरे मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा ना सर हाईएस्ट एनी कौन सा लेंगे लोएस्ट एनी कौन सा लेंगे ओके okay. अच्छा जी चलो एक आंसर आ गया एक आंसर आ गया एक आंसर आ गया यस yes जी एक आंसर आ गया मालिक एक आंसर आ गया और इन्होंने मुझे बताया अप्रैल मंथ का जो डेटा है वो हाईएस्ट है एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है एंड मार्च मंथ का जो डेटा है वो लोएस्ट है एकदम करेक्ट है अप्रैल एंड मार्च सर जी हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऐसा ही है जनवरी यानी लोएस्ट और जून यानी हाईएस्ट नहीं सर हाईएस्ट आप अवर्स चेक कीजिएगा हाईएस्ट कॉस्ट चेक कीजिएगा लोएस्ट अवर्स चेक करो लोएस्ट कॉस्ट चेक करो चलो आपको 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 हाई लो पॉइंट मेथड से मुझे बताने का है वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा एंड फिक्स कॉस्ट कितना आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो गया है रफ में सॉल्व किया तो भी चलेगा इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल आपने मुझे बता दिया मालिक ये हाईएस्ट लेवल है ये लोएस्ट लेवल है बस फटाफट फड़ से अभी आंसर दीजिएगा करेक्ट आंसर दीजिएगा डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन ये डिफरेंस लेके आपको आंसर देना है. जी आदित्य जी करेक्ट है आपका आंसर की हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेटा के बेसिस पे चेक करना है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मंथ लोएस्ट मंथ एंड हाईएस्ट मंथ नहीं है डेटा जो दिया है हाईएस्ट आवर्स चेक करो या फिर हाईएस्ट कॉस्ट चेक करो लोएस्ट अवर्स और लोएस्ट कॉस्ट चेक करो सर जी अभी आंसर तो दीजिएगा हाँ जी मामू आंसर दीजिएगा एक आंसर आ गया टेन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज टेन एंड फिक्स कॉस्ट इज टेन थाउजेंड यशराज जी टेन थाउजेंड एंड टेन रुपीज कुश जी टेन रुपीज शुभम जी टेन रुपीज सारे स्टूडेंट मुझे ये आंसर दे रहे टेन रुपीज पर यूनिट एंड टेन थाउजेंड चलो लेट्स सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट क्वेश्चन नंबर वन कंसेप्ट बुक का सॉल्व कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट सर थोड़ा सा लॉजिक आपने अप्लाई करना चाहिए था थोड़ा सा सर कॉमन सेंस आपने अप्लाई करना चाहिए था मैं जितने भी आंसर पढ़ रहा हूं सब लोगों ने मुझे यह बताया कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या बताया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अरे सर थोड़ा तो लॉजिकली चेंज करो ना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे क्यों चेंज करना पड़ेगा मालिक यहाँ पे आउटपुट का डेटा नहीं है यहाँ पे आवर्स का डेटा है जो जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर टेन रुपीज़ पर यूनिट गलत है सर वो टेन रुपीज पर यूनिट नहीं टेन रुपीज पर यूनिट है ही नहीं सर टेन रुपीज़ पर आवर आपने आंसर देना चाहिए था तो इतना हम लोगों को सर जी परफेक्शन आना चाहिए है ना समझा क्या बोला मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आएगा सो so फॉर्मूला लिखते वक्त भी डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट मत लिखना डिफरेंस इन आवर्स लिखेंगे आप चलो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट का थर्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड

टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट हाईएस्ट या लोएस्ट कोई भी लेवल आप चेक कीजिएगास्ट so है थर्टी फोर थाउजेंड माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा टेन रुपीज पर आवर इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अवर सो थर्टी फोर थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड मालिक आपका करेक्ट आंसर है टेन थाउजेंड सारे के सारे स्टूडेंट ने मुझे यही करेक्ट आंसर दिया है टेन थाउजेंड का फिक्स कॉस्ट है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है वेरिएबल कॉस्ट पर आवर है आवर्स का डेटा था सर जी चलो कंप्लीट किया क्या कंप्लीट किया क्या आपने? हैव यू फिनिश गाइस? डन सो नॉट जल्दी 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 गाइज ज्यादा खुश मत हो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने का मालिक चलो जल्दी 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 कंप्लीटेड डन करेक्शन की है क्या वेरिएबल कॉस्ट पर आवर एंड फिक्स कॉस्ट तो आवर्स का डेटा है सर फॉर्मूला भी बराबर से लिखना डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट मत लिखना डिफरेंस इन आवर्स आएगा जी हाँ सर कंप्लीटेड अरे रिप्लाई कर दीजिएगा सर आप आईसीएआई मॉड्यूल सॉल्व करवा रहे क्या मॉड्यूल हंड्रेड परसेंट कवर है सर आपको नोट्स के अंदर मॉड्यूल हंड्रेड परसेंट कवर है है ना तो वो छोड़ के मॉड्यूल छोड़ के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है ठीक है आरटीपी के क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है ठीक है तो सिर्फ मॉड्यूल नहीं है सर बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में हार्डली टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्वेश्चन है साढ़े सात सौ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मालिक अपन चलो आई होप सो सब लोगों ने आंसर लाया है एंड करेक्ट आंसर आया है अब आते हैं सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ

उसके बाद एक जुलाई से लेके 31 मार्च का डेटा दिया हुआ है और आपको डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट वगैरह फाइंड करके वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है ध्यान से क्वेश्चन देखना लिटरली लिटरली 99 परसेंट स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं एक आधा कोई स्टूडेंट रहेगा आप में से जो गाइस करेक्ट आंसर देगा इसका ठीक है रफ में सॉल्व करना फेयर नोटबुक खराब मत करना बहुत सारे स्टूडेंट आपके नोटबुक की जेरोक्स लेने वाले हैं ओके okay, अपने क्वेश्चंस की बहुत सारे स्टूडेंट जेरोक्स लेने वाले तो उनके लिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा सर मैं बोल रहा हूं आपसे इसका नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट गलत आंसर देता है चैलेंज है आपको चैलेंज है ध्यान से देखना क्वेश्चन एकदम यानी आ, सर एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर अब देखते हैं कौन करेक्ट आंसर लाता है बताइएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा करो चलो कैलकुलेशन करो ज ए टोल्ड यू मैक्सिम स्टूडेंट विल गिव मी रॉन्ग आंसर देखते हैं, आपके बैच के अंदर है कोई चैंपियन स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर देगा क्वेश्चन से पढ़ियो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ियो इंप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा जल्दी सर ये आखिरी एक मिनट है आपके पास जो भी कुछ आपको आंसर देना है बस एक मिनट के अंदर देना है फटाफट फड़ से ओए क्या हो गया सर अरे जल्दी 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 आंसर दीजिएगा गाइस फास्ट चलो एक तो भी गलत आंसर दो ना गाइस फिर मैं मेरा जो आंसर है वो स्टार्ट करता हूं अरे एक का भी आंसर नहीं शायद आपके मैसेजेस नहीं पहुंच रहे शायद आपके मैसेजेस लैग हो रहा है इसकी वजह से नहीं अदरवाइज इतने टाइम के अंदर रिप्लाई आ जाता है आपका चलिएगा एनी वेज हेलो गाइज शुड आई वेट और क्या सीन क्या है बताइएगा शायद आपके मैसेजेस नहीं पहुंच रहे चलो कोई बात नहीं मैं आंसर देना स्टार्ट कर देता हूं मेरा तो रिप्लाई आया है एनीवे anyway, चलो गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स राधिका sure, जी जी हाँ, हाँ हा प्रोसीड सर समझ में नहीं आ रहा है वेरी गुड चलो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स डेटा ध्यान से देखना है आपने एक जो डेटा आपको दिया हुआ था वो फर्स्ट अप्रैल से लेके तीस जून का डेटा था जून का डेटा था चलो ठीक है अगला जो डेटा है सर जी अगर आप चेक करेंगे एक जुलाई से 31 मार्च तक का डेटा है जी आ, एक डेटा अप्रैल एक से लेके 30 जून का था एक डेटा एक जुलाई से लेके 31 मार्च तक का है नाउ बॉयज एंड गर्ल्स अप्रैल टू जून जो है वो थ्री मंथ्स का एक डेटा है और एक जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का जो डेटा है वो नाइन मंथ्स का डेटा है नाउ द पॉइंट इंपॉर्टेंट हियर इज आप दो अलग अलग डेटा कंपेयर कर रहे हो सर जिसका बेस सेम नहीं है एक डेटा थ्री मंथ्स का है एक डेटा नाइन मंथ का है एक डेटा थ्री मंथ्स का है और एक डेटा जो है वो नाइन मंथ का है सर तीन महीने का डेटा नाइन मंथ के साथ आप कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते तीन महीने की फिक्स कॉस्ट अलग आती है एग्जांपल लेते हैं रेंट की सर एक लाख रुपए पर मंथ का रेंट है तो तीन महीने की रेंट तीन लाख आएगी नाइन मंथ की रेंट जो है वो नाइन लाख आएगी सर हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट सर ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब दो लेवल की फिक्स कॉस्ट सेम है लेकिन मालिक तीन महीने का फिक्स कॉस्ट अलग आएगा नाइन मंथ का जो है वो फिक्स कॉस्ट अलग आएगा है ना बराबर बोल रहा हूं ना सर थ्री मंथ्स का फिक्स कॉस्ट अलग आएगा नाइन मंथ का जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग आएगा तो सर जी आप डायरेक्टली ये डेटा अप्लाई नहीं कर सकते आप ऐसा बिल्कुल नहीं ले सकते कि वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड नहीं सर डेटा बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है और सर बुरा मत मानो अगर आपने ये डायरेक्ट डेटा कंपेयर किया तो सर पुणे सॉरी फैकल्टी है सर जो अभी भी आज भी ये क्वेश्चन लेती है लेक्चर के अंदर एंड गलत आंसर आती है तो गाइस ओके दो बैच पहले ध्यान से सुनिएगा 2.98 पॉइंट आंसर आ रहा है मैंने बोला गलत आंसर है सर दो बैच पहले पुणे में प्रेस्टिज पॉइंट पे मेरा बैच था ओके ये सेम सम मैंने लिया था सेम सम मैंने लिया था ओके सम सेम मैंने लिया था एक और आ, कोई स्टूडेंट है यानी मेरे स्टूडेंट का एक फ्रेंड है फ्रेंड थी शायद तो उसने बोला अरे दर्शन सर ने ये गलत सिखाया हमारे सर ने एकदम करेक्ट सिखाया है सर आपको गलत सिखा रही है वो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया अरे सर 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 ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है सर शायद आपने सर गलत सॉल्व किया है मैंने बोला भाई पॉसिबल है क्या पिछले फोर्टीन ईयर से यही काम कर रहा करो सर ये एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं गलती होना ठीक है कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है कंसेप्चुअल मिस्टेक पॉसिबल नहीं है अरे नहीं सर वो स्टूडेंट का आंसर देखो सर वो लेक्चर देखो सर उसने मुझे भेजा है आंसर भेजा है आपने गलत तो नहीं पढ़ा है सर आप प्लीज़ आप चेक करो आप मुझे सजेस्टेड आंसर भेजो ठीक है तो मैंने भाई तू टेंशन ना ले अगेस मैं सब बता दूंगा तेरे को सजेस्टेड आंसर वगैरह सब कुछ आ जाएगा हम लोगों ने करेक्ट किया हुआ है और आज भी वो गलत आंसर कोई सिखा रहा है सर बहुत बुरा लगता है एनी वेज आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम बात इतनी ही, सर अगर फैकल्टी से गलती हो सकती है तो सर स्टूडेंट से तो गलती हो ही सकती है तो याद रखिये जब आप ये दो डेटा कंपेयर कर रहे हो तो डेटा कंपेरेबल होना चाहिए एक डेटा थ्री मंथ का है एक डेटा नाइन मंथ का है तीन महीने का डेटा नाइन मंथ के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं हो सकता है आपको करना क्या है डेटा कन्वर्ट करने का है। महीने का डेटा इक्वी वैलेंट टू नाइन मंथ तीन महीने के डेटा को नाइन मंथ के डेटा के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना है तो तीन महीने के डेटा को नाइन मंथ में कन्वर्ट कर लिया जी हां So, पहला लाइन क्वेश्चन के अंदर दिया था आउटपुट दस हजार है तो तीन महीने का दस हजार नाइन मंथ का आएगा थर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड का जो है वो आउटपुट दिया हुआ है थर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट पॉइंट सर जी टोटल कॉस्ट दिया है गाइज यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है चालीस हजार तीन महीने का चालीस हजार तो नाइन मंथ का आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तीन से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेकेंड केस में ऑलरेडी आपको दिया है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अब जो है डेटा कंपेरेबल हो गया तीन महीने के डेटा को नाइन मंथ में कन्वर्ट करके सर बेस सेम रखे अब मैं आंसर लाएगा डिफरेंस इन कॉस्ट वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन आउटपुट थर्टी फाइव थाउजेंड

ध्यान से पढ़ना अब गलती मत करना सर फिक्स कॉस्ट आप मुझे बताएंगे ये पहले लिख लो पहले ये टेबल कंप्लीट करो पहले ये टेबल कंप्लीट करो और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लिखो फिक्स कॉस्ट मुझे बताएंगे कितना आएगा क्वेश्चन पढ़ना बराबर से क्या पूछा है फिक्स कॉस्ट कौन सा पूछा है कितना पूछा है और उसके बाद आप मुझे फिक्स कॉस्ट बताएंगे सर ओवर टू यू बच्चों चलो जल्दी करो गाइस चलो फिक्स कॉस्ट बताएंगे जल्दी करो चलिएगा मुझे एक फिक्स कॉस्ट का आंसर दिया है स्टूडेंट ने और वो फिक्स कॉस्ट का आंसर आंसर है है ऐसे कुछ तो भी आया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था से गलती करेंगे और शायद एक बार गलती हुआ है स्टूडेंट से सी ओहो अमन जी ने फोर्टी थाउजेंड आंसर दिया है यश yes, जी ने जो है वो थर्टी थाउजेंड आंसर दिया है लेट सी सर जी चलो फिक्स कॉस्ट की बात करता हूं सुष्मिता so, जी ने थर्टी थाउजेंड है लेट सी गाइज सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओके Uh, कोई भी एक डेटा मैंने कंसिडर किया टोटल कॉस्ट इज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा वो आएगा थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री रुपीज़ नाइन्टी तो फिक्स कॉस्ट आता है मेरा थर्टी थाउजेंड लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है सरकार थर्टी थाउजेंड जो फिक्स कॉस्ट आया है थर्टी थाउजेंड जो फिक्स कॉस्ट आया है वो नाइन मंथ का आया है थाउजेंड रुपीज का जो फिक्स कॉस्ट आया है वो नाइन मंथ का आया है क्यों भाई नाइन मंथ का आया क्योंकि मैंने यूज किया मंथ का लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर नाइन मंथ का फिक्स कॉस्ट नहीं पूछा था मुझे तो पूरे साल का फिक्स कॉस्ट पूछा था तो भाई साहब देखा गलती कर दी आपने लेकिन है कोई तो भी एक है कौन है अरमान जी अमन जी सॉरी अरमान या अमन इन्होंने मुझे करेक्ट आंसर दिया है रिस्पेक्ट भाई रिस्पेक्ट खतरनाक जी हाँ देरफोर फिक्स कॉस्ट पर एनएम इज इक्वल टू थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाय नाइन जी हाँ आपका जो आंसर आ रही है वो आ रही है फोर्टी थाउजेंड जी हाँ देखो कितनी गलती होती है हाँ सर जी चलो कीजिएगा कंप्लीट बराबर है ना पंकज जी करेक्ट है फोर्टी थाउजेंड सर समझ में आया तो भाई फार्मूला डायरेक्टली चेप के नहीं आना एग्जाम के अंदर फॉर्मूला बराबर से देखने का बराबर अप्लाई कर रहे हैं या गलत फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सर जो डेटा है वो कंपेरेबल होना चाहिए डेटा जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए चलो जल्दी कंप्लीट करो आपने नाइन मंथ का डेटा यूज़ किया था और फिक्स कॉस्ट बता दिया मुझे आदित्य जी इसका आंसर ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर के अंदर दिया है बीस तारीख के बाद डिस्पैच स्टार्ट होगा ट्वेंटी फर्स्ट को डिस्पैच स्टार्ट होगा चलो कंप्लीटेड गाइज सो डेटा कंपेरेबल हुए बिना आपने वो सॉल्व नहीं करना है थ्री मंथ्स के डेटा को आपने नाइन मंथ में कन्वर्ट किया या फिर आप उल्टा भी कर सकते थे नाइन मंथ के डेटा को आपने थ्री मंथ्स में कन्वर्ट किया तो भी चलता था जी हाँ आई होप सो कंप्लीटेड बाई एवरी वन ऑफ यू वैसे आपको मैं आंसर भी बता देता हूँ सर जी सजेस्टेड आंसर जो अपने इंस्टीट्यूट ने दिया था वापिस से झगड़ा नहीं क्योंकि अभी भी ये गलत ही आंसर लोग बता रहे हैं तो भाई साहब ये देखिएगा ये सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट का ये मेरा नहीं है गाइस इंस्टीट्यूट का पी टू का नवंबर 2009 सजेस्टेड आंसर है आप चेक कर सकते हो गाइज आंसर यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड रुपीज का जो है वो फिक्स कॉस्ट है एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो थ्री रूपीज है ओके तो ये प्रूफ है मेरे पास कि हम लोगों ने एकदम करेक्ट किया और सर हंड्रेड परसेंट करेक्ट है गाइज चलिएगा आई होप सर सब लोगों को गलती समझ में आया रहेगा बोलो हा या ना चलो जल्दी से आइएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर चलो जल्दी जल्दी सर क्वेश्चन थ्री एंड फोर सॉल्व करेंगे देन विल स्टॉप जी हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री पे आएगा फटाफट गफ़ड़ से आपको सॉल्व करने का अभी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर मालिक क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है फॉर द ईयर टू थाउजेंड डेटा कंपेरेबल है सर कोई टेंशन नहीं है क्वार्टर यानी भाई तीन तीन महीने का डेटा दिया हुआ है कोई टेंशन नहीं, नहीं। है डेटा कंपेरेबल है सर जी प्रोडक्शन दिया है सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्वार्टर वन क्वार्टर टू यू आर रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट गाइज एकदम फटाफट से आंसर दीजिएगा चलो जल्दी आपको सॉल्व करने का है सर अब कोई टेंशन नहीं गाइज डेटा बिल्कुल कंपेरेबल है तीन महीने का डेटा तीन महीने के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं फटाफट फड़ से डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से बताएंगे आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है जल्दी से आंसर दीजिएगा अरे इतना टाइम नहीं चाहिए भाई इतना जल्दी आपने आंसर देना चाहिए था थ्री लैख टेन थाउजेंड माइनस टू लैख एटी थाउजेंड सर मेरे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए डिवाइडेड बाय गया शायद शाबाश 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 आगे 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 आंसर फाइव रुपीज पर यूनिट फाइव रुपीज़ पर यूनिट फाइव रुपीज़ पर यूनिट ओके सर जी देखते हैं सर थ्री लाख टेन थाउजेंड माइनस टू लैख एटी थाउजेंड बच्चों आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है थर्टी थाउजेंड बाय फोर्टी टू थाउजेंड एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड कितना पांच रुपए का बच्चों सो फाइव रुपीज पर यूनिट का जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आएगा और जो फिक्स कॉस्ट कॉस्ट है फिक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट जी सर जी कोई भी लेवल चेक करते हैं थ्री लैख टेन थाउजेंड का टोटल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट आएगा फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड फाइव रुपीज कितना आया भाई एक ने भी आंसर नहीं दिया फिक्स कॉस्ट के बारे में कितना नाइन्टी थाउजेंड आया क्या नाइन्टी थाउजेंड आ रही है क्या एक बार चेक करो तो बच्चों फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फाइव एंड थ्री लैख एक लाख आ रहा है सर एक लाख पर क्वार्टर पर क्वार्टर दैट इज फोर लैख पर एनम पूछा नहीं क्वार्टरली या पर एनम डाल दिया सर सर एक लाख है ना फिक्स कॉस्ट एक लाख है ना भाई थ्री लाख टेन थाउजेंड में से दो लाख दस हजार मैंने लेस कर दिया तो एक लाख पर क्वार्टर आएगा चार लाख पर एन आएगा करेक्ट है चार लाख और एक लाख चलिएगा so, सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आया क्वार्टरली एक लाइन एक्स्ट्रा एक एड करके मैंने वहां पर लिख दिया फोर लैख पर एनम हमेशा एक साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमेशा की जब बात नहीं है सर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है फिक्स कॉस्ट क्वार्टरली चाहिए या फिक्स कॉस्ट पूरे साल का चाहिए क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है तो हम लोगों ने सेफर साइड किया ना भाई कि अगर सजेस्टेड आंसर में क्वार्टरली रहेगा तो भाई देख ले क्वार्टरली भी लिखा है सजेस्टेड आंसर में अगर पूरे साल का दिया है तो हम लोगों ने लिखा हुआ है तो ये जो है वो सेफर साइड हम लोग कर रहे हैं जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है कि पर एनम चाहिए या क्वार्टरली चाहिए ओके गाइस गाइज बॉयज एंड गर्ल्स खुश कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करके एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज देन विल स्टॉप फॉर टुडे आराम से कंप्लीट करेंगे जी हाँ सर uh, यश yes, जी आपने शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अदरवाइज ये डाउट नहीं आता था इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर शायद आपने पढ़ा नहीं मैंने हाईलाइट भी किया है टोटल फिक्स ओवरेड फॉर होल ईयर बोला है पूरे साल का बोला है सर तो आपने ये गलत लिखा है यहाँ पे कि पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला था फिर भी आपने लिखा नहीं सर पूरे साल का है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है जी और यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट बोला है पे सिर्फ़ कॉस्ट बोला है लेकिन पता नहीं क्वार्टरली चाहिए या पूरे साल का इसलिए दिया चलो गाइज एच के सी कंपनी द फॉलोइंग डेटा इन द टू मोस्ट रिसेंट पीरियड्स पर्टिकुलर पीरियड वन एंड पीरियड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वॉट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फर्म फिक्स कॉस्ट पर पीरियड चलेगा चलो 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 चलो, चलो यस सर जी अरे आगे आंसर शुभम जी शुभम जी ने आंसर दे दिया है ट्वेल्व रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्या है क्वेश्चन फोर है ना भाई क्वेश्चन नंबर फोर है भाई चलो चलो जल्दी आंसर दीजिएगा घर पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं मैं डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे समझ गया गलती से लिखा है सो नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट ट्वेल्व हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड गाइज बात फटाफट से 19,400 फोर माइनस फोर्टीन न्यूमरेटर आता है 4,800 डिनोमिनेटर आता है आपका 400 हंड्रेड सो ट्वेल्व रुपीज पर यूनिट का जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है शाबाश बच्चों अरवान जी रुपेश जी करेक्ट आंसर दिया आपने ट्वेल्व रुपीज पर यूनिट का आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करते हैं फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कोई भी एक डेटा लिया मैंने सपोज फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड इन टू ट्वेल्व आई थिंक सो फाइव थाउजेंड जो है मेरा फिक्स कॉस्ट आ रहा है चलेगा सुष्मिता जी ने आंसर दिया फाइव थाउजेंड शुभम जी ने अरमान जी ने फाइव थाउजेंड जी ने यश जी ने सारे के सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया फाइव थाउजेंड आई होप सो आपने कंप्लीट किया रहेगा जी आ गाइस सो हियर करेक्ट है पंकज जी करेक्ट है जी हाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक पार्ट कंप्लीट किया जहाँ पे कॉस्ट का बाइफ्रिकेशन वेरिएबल फिक्सड और सेमी वेरिएबल का कंप्लीट करके सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर बाइफ्रिकेशन कर दिया पांच मेथड्स आज हमने देखा यहाँ पे ये यह सब टॉपिक जो है वेरिएबिलिटी uh, का कंप्लीट हुआ जो बचा कुचा थियरी है ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको खूनखार मजा आया रहेगा बहुत अच्छे से सेप्ट समझा रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर अब जो है क्वेरी सेशन पूछिएगा सर यस लेक्चर खत्म सर अब फटाफट से जो है क्वेरी पूछिएगा अल हियर अगले पांच मिनट में आपको जो भी कुछ क्वेरी है आज के लेक्चर का कल के लेक्चर का ठीक है आप बिंदास पूछ सकते हैं सर फटाफट से क्वेरी पूछिएगा, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझा है तो क्लास वाज ऑसम थैंक यू सो मच यश जी चलो 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 गाइस बॉयज़ एंड गर्ल्स फटाफट से क्वेरी पूछिएगा ना सर मुझे क्वेरी चाहिए अगर क्वेरी नहीं है तो सर साइन आउट कर लीजिएगा ठीक है अगले लेक्चर की तैयारी कर लीजिएगा सर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं जब तक नोट्स नहीं पहुँचता है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ट्वेंटी फर्स्ट के बाद जो है वो बीस तारीख के बाद जो है वो नोट्स का डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा तब तक जो भी कुछ गाइस अपने को है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर में दूंगा और सर ये जो आज हमने कंसेप्ट किया है इसके कम से कम फिफ्टी सिक्सटी क्वेश्चंस और करना है ठीक है आज सिर्फ हम लोगों ने बेसिक देखा है एडवांस क्वेश्चन या फिर इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को ओवरे टॉपिक में आएगा जैसे मैंने बताया बजेट मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आएगा तो उसके तब हम लोग और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं चलेगा नेक्स्ट क्वेरी इज एनी क्वेरी गाइज no one is asking query so thank you so much guys see you in the next lecture take care all guys